हेलो 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 वन टू फोर वन टू फोर वन टू फोर हेलो 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 डन हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया आपकी फ़ैमिली में सभी लोग स्वस्थ यहां पर मैं भी एकदम बढ़िया मौज में देखिए हम लोगों के पास जो हर बार हम लोग रिवीजन निकालते थे एग्जाम से पहले लास्ट रिवीजन नाम रखते थे हमने उसको और एक्सपेंड कर दिया है और उसका नाम रख दिया है बूस्टर बैच बूस्टर बैच बहुत ही सिंपल सोवर सा कंफर्टेबल बैच है एकदम इसके अंदर आपका क्या क्या चीजें होंगी एक बार हम लोग वो सब कुछ देख लेते हैं देखिए बूस्टर बैच के अंदर आपको कंसेप्ट मिलेगा हंड्रेड प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके होंगे यहां पर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मान के चलिए कि जैसे एफएम है एफ तो एम में हंड्रेड अप्रोक्स आपके क्वेश्चन रहेंगे इन क्वेश्चन को हम कहां से उठाते हैं किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं आईसीआई जो पेपर बनाता है वो स्टडी मटेरियल आर टी और पास्ट ईयर क्वेश्चन यहां से बनाता है हमने इनके अंदर के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट उठाकर बूस्टर बैच के अंदर रख दिए हैं। तो ये रिवीजन के लिए वन ऑफ द परफेक्ट स्ट्रेटजी है अगर आप बूस्टर बैच के क्वेश्चन को एग्जाम से पहले करके चले जाते हैं तो ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी जो आपको ना आती हो तो इसके अंदर ए टू जेड सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल होंगे कंसेप्ट इसके अंदर हंड्रेड रहेगा सेकंड थिंग जो बच्चे पूछते हैं कि क्या ये वीडियो YouTube पर रहेगी यस yes, ये YouTube पर ही रहेगी सेशंस कैसे लगेंगे आज का सेशन वैसे 12 बजे का था लेकिन यहाँ पर लाइट गई हुई थी रात भर लाइट गई थी अभी भी लाइट गई हुई है लेकिन इन्वर्टर चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है इन्वर्टर पे काम हो जाएगा हमारा हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर लाइट वगैरह गई हुई थी इसलिए हमने बारह की बजे फिर पाँच साढ़े पाँच तक रखा जब इन्वर्टर चार्ज हो गया फिर से लाइट चली है पर अब कोई दिक्कत नहीं है सेशन निकल जाएगा इन्वर्टर पर अब इसके जो सेशन रहेंगे वो किस किस टाइमिंग में रहेंगे तो अभी मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर इसका मैंने पोल डाला था तो पोल के अंदर हमारे पास ये मैंने पोल डाला था पहले हम क्या कर रहे थे ऑल्टरनेटिव डे एक क्लास चला रहे थे लेकिन यहाँ पर जो पोल हमने डाला है वो पोल था हमारा कि वीक डेज में बूस्टर बैच का सेशन मॉर्निंग और इवनिंग रख दें तो हम लोग ऑल्टरनेटिव डेज पे चलेगा एक दिन कॉस्ट एक दिन एफएम जैसे कल कॉस्ट के सेशन थे आज एफएम का सेशन है कल कॉस्टिंग का होगा फिर उसके बाद एफएम का होगा इस तरह से चलेगा लेकिन हम सेशन दो टाइम में रखेंगे एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में मॉर्निंग का टाइम हम लोग अप्रॉक्स दस से बारह के बीच का रख लेंगे और शाम का सेवन टू नाइन के बीच का इसके जो भी अपडेट्स हैं वो ए टू जेड सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे तो इसलिए नमी तरोरा क्लासेज या सी ए नमी तरोरा के नाम से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आपको सारे नोट्स ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स यहां पर मिलते रहेंगे इसके अलावा जो बूस्टर बैच के नोट्स हैं बूस्टर बैच के नोट्स आपके आ गए कॉस्टिंग और हमारे पास अच्छा इसका नाम एफ एम की जगह कॉस्टिंग हो गया है एडिट कर देता हूं एक मिनट एफ एम एफ एम बूस्टर हाँ जी तो बूस्टर आपके पास यहां पर हम लोगों ने शेयर कर दिया है इसके अंदर अभी तीन चैप्टर शेयर करें अभी इसके अंदर तीन चैप्टर शेयर करें और एक मिनट इसे मैं डिलीट कर देता हूं बच्चे कंफ्यूज होंगे कोस्टिंग का है मिनट 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 बूस्टर दिस वन हां जी तो एफ एम बूस्टर यहाँ पर आपके पास आ गया है इसमें भी तीन चैप्टर मैंने करे हैं पूरे एक दो दिन के अंदर आपको पूरी फाइल यहां पर मिल जाएगी इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एग्जाम टाइम पर यही सिर्फ आपको लेकर जाना है इसमें आपका पूरा काम हो जाएगा हमारे जो सेशन्स रहेंगे वो पूरी तरीके से इफेक्टिव रहेंगे कोई फालतू बातचीत हम नहीं करते पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पास क्या होना चाहिए आप लोगों के पास होना चाहिए एक तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर लेके बैठेगा और एक कोई भी नोटबुक लेके बैठ लीजिएगा जैसे कोई भी बात आपको लगती है ऐसी कि हाँ भाई ये काम किए तो वीडियो पॉज करके या फिर नॉर्मली आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम रहेगा अभी जो सेशन चालू हो जाएगा मैं आज क्या करवाने वाला हूं वो आपको बता देता हूं ये हमारे पास एफ एम बूस्टर में अभी पहले तीन चैप्टर मैंने दे दिए हैं, इसमें ईबीआईटी ईपीएस लीवरेज और मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल है तो ईबीआईटी ईपीएस फिर लीवरेज करेंगे देखेंगे कि कितना टाइम बचेगा टाइम बचेगा तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स को भी हम उठा लेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा तो हम ईबीआईटी बी ईपीएस और लीवरेज को आज खत्म करेंगे ईबीआईटी और ईपीएस और लीवरेज आपके पास अप्रोक्सीमेटली मानकर चलिए फिफ्टीन मार्क्स की एग्जाम की वेटेज ये रखते हैं लीवरेज फाइव टू टेन मार्क्स और ईबीआईपी ईबीआईटी ईपीएस भी फाइव टू टेन मार्क्स तो आपके मान के चलिए कि फिफ्टीन मार्क्स की वेटेज आपकी यहां पर कवर हो जाएगी ठीक है और इसके अलावा जो आगे के पूरे नोट्स हैं वो मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा जब हम सेशन चालू करेंगे तो सेशन चालू करने के बाद में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे फिर पूरी की पूरी क्लास खत्म होने के बाद ही लाइव चैट को मैं एंटरटेन करूंगा <coughs> इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट एक मिनट बस हेलो हां जी इसके अलावा अगर आपका और कोई पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं यहां पर फिर हम सेशन स्टार्ट कर देंगे किसी का भी कोई भी पॉइंट है कोई डाउट है तो बोल दीजिए <coughs> <coughs> दीपेंद्र पूछ रहे हैं पुराना एलडीआर चल जाएगा क्या हर सेशन के लिए नया एलडीआर बनाते हैं हम लोग ये नवंबर ट्वेंटी टू के लिए बनाया गया होता क्या देखिए एक अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो जरूरी नहीं है दूसरे अटेम्प्ट में आए तो हर के पूरा करके फिर एल डी आर बनाया जाता है कंफर्टेबल टाइम होते हैं <coughs> कल की क्लास में क्या हुआ था बफरिंग हो गई थी क्योंकि कल बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा तो नेट में इशू हो गया था तो बच्चा पूछा आज बफरिंग तो नहीं होगी देखो भगवान से दुआएं हमारी ना हो जी टू लैख फोर्टी थाउजेंड आर्ट्स में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्वेश्चन में लिख अगर नहीं वॉट हां जी वन <coughs> मिनट Hmm. एक स्टूडेंट पूछा है कि क्या ये यूट्यूब पर रहेगा रहेगा सर कब तक चलेगा सेशन स्टार्ट करते हैं देखते हैं उसके बाद में बफरिंग बफरिंग नहीं होगी अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो कुछ कनेक्शन वगैरह हिलता रहता है बफरिंग नहीं होगी टॉपिक्स का सीक्वेंस क्या रहेगा टॉपिक का सीक्वेंस सिंपल रहेगा जैसे जैसे चैप्टर रहेंगे वैसे वैसे सीक्वेंस रहेगा बाकी हम टेलीग्राम पे सारी चीजें अपलोड कर देंगे ओके अब मुझे लगता है देखिए एक तो लाइट का इशू है क्योंकि इन्वर्टर पे चल रही है क्लास और दूसरा यहां पर इंटरनेट भी कल थोड़ा सा खराब हो गया था तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है ना हम लोग के पास जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम पहले ई बी देखेंगे उसके बाद लिवरेज टॉपिक देखेंगे ई बी टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है हम इसको सेपरेटली करवाते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अलावा एक है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का टॉपिक तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी को अलग रखा है और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को अलग रखा है बच्चा पूछा है इको, इको होगी के के बाद FM के बाद खत्म होने पूछ होगी तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं आप लोग ये बता दीजिए डिस्टर्बेंस आ रहा है आप लोगों को बाहर का या नहीं बस मुझे यह बता दीजिए आप लोग को डिस्टर्बेंस आ रहा है वीडियो में या नहीं आ रहा जल्दी से बता दीजिए मैं खुद भी सुन लेता हूं एक बार करते हैं आप लोग ये बता दीजिए डिस्टरबेंस आ रहा है आप लोगों को बाहर का या नहीं बस मुझे ये बता दीजिए आप लोगों आ रहे। आ रहा है है ठीक नहीं रहा परफेक्ट ओके okay. एक मिनट लाइट नहीं आ रही तो मैंने इसलिए विंडो ओपन कर रखे तो उससे थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है जी हम लोग स्टार्ट करते हैं सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माता और हमारे को अच्छे से एफ में पास करवा दीजिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से शुरू देखिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है ई बी आई टी ई पी एस एनालिसिस बहुत ही सिंपल टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा आसान ई बी आई टी ई पी एस एनालिसिस बेसिकली क्या सिस्टम है देखिए एफ एम के अंदर जब हमारी एफ एम स्टार्ट होती है तो एफ एम का पूरा कंसेप्ट ही स्टार्ट होता है कि एक बिजनेस है इस बिजनेस के अंदर होंगी सोर्सेज ऑफ फंड और यहां पर आपके पास आ जाएंगी एप्लीकेशन ऑफ फंड सोर्सेज ऑफ फंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ठीक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड में कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आएगा कि भाई यहां पर पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ गया जैसे टेन लाख रुपीज कहीं पर लगाने हैं ठीक है अब ये टेन लाख रुपीज लगाने हैं तो सोर्सिस से इस पैसे को मंगवाना पड़ेगा तो जब आपको सोर्सिस से पैसा मंगवाना है तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दिए जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट इक्विटी प्रिफ्रेंस इन सब का मिक्सचर कि ये किस कॉम्बिनेशन में रखे जाएं तो जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर वन कैपिटल स्ट्रक्चर टू कैपिटल स्ट्रक्चर थ्री ऐसे आपको दे दिया जाएगा ठीक है तो जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर वन है उसमें हम इक्विटी डेट से फिफ्टी फिफ्टी मंगवा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर टू में इक्विटी से ही पैसा मंगवाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्री के अंदर हम पैसा इक्विटी डेट प्रीफरेंस तीनों से मिलकर बनवाएंगे इस तरीके की बातें बताएगा हम लोग को सिंपली क्या करना होगा सारे कैपिटल स्ट्रक्चर का ईबीआईटी से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कैसे बताया जाएगा ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से हमें कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया जाएगा तो ई हमें दिया जाएगा फिर हम देखेंगे कि इसमें से भाई इंटरेस्ट माइनस कर दिया ईबीटी आ जाएगा फिर इसमें से हमने टैक्स माइनस कर दिया हमारे पास ई आ जाएगा फिर हमारे पास अगर प्रीफ्रेंस शेयर है तो प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगी इसके बाद में इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो अर्निंग है जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा मिले दूसरा उनका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा से ज्यादा हो तो हमारे पास एफ के अंदर दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे पहला ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि हमारे शेयर का मार्केट प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो दूसरा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो ईपीएस ज्यादा से ज्यादा हो तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ईबीआईटी से लेकर ईपीएस तक कि हमारा ईपीएस कितना रहे उसके बाद में कई क्वेश्चन आपको पी रेशो दे देगा तो पी रेशो बेसिकली क्या होता था एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस तो अगर हम पी रेशो में ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें पी मल्टीप्लाई बाई ई पी एस तो हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाएगा तो जैसे क्वेश्चन में आप ईपीएस तक पहुंच गए अगर क्वेश्चन ने आपको पी रेशो दे दिया तो पी रेशो मल्टीप्लाई करके आप एमपीएस तक पहुंच जाएंगे हमें सिर्फ इतना ही करना है कि ईबीआईटी उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा फिर टैक्स माइनस करा प्रिफरेंट डिविडेंड माइनस करा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग है उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके ईपीएस पर आ गए अगर पी रेशो दिया गया है तो फिर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर हम लोग चले जाएंगे जिस जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस और एमपीएस हाईएस्ट होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर वन का ईपीएस और एमपीएस दोनों ही हाईएस्ट हैं तो इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा अच्छा कई बार क्वेश्चन में क्या होगा पी शो नहीं दिया जाएगा तो ईपीएस पे फैसला हो जाएगा जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें सबसे ज्यादा ईपीएस देगा उस कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू हम पैसे को अरेंज करेंगे तो बेसिकली ये कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा है ईबीआईटी ईपीएस चैप्टर और ये इस बात पर फोकस करता है कि हमें कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर से पैसा मंगवाना चाहिए तो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर से पैसा मंगवाना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो और इक्विटी शेयर होल्डर का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा से ज्यादा हो इसमें एक दिक्कत आती है कई बार क्या होता है जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर वन है और कैपिटल स्ट्रक्चर टू मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर वन का ईपीएस और एमपीएस की अगर हम बात करें तो इसका ईपीएस दस रुपए है जाएगा तो अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया एक बेसिस पर कैपिटल लो हेलो 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 हां कोई दिक्कत नहीं है वो मैंने कर दिया है मेरे को पता है गड़बड़ क्या हो रही थी वो मैंने ठीक कर दिया है हाँ जी तो कैपिटल स्ट्रक्चर वन और कैपिटल स्ट्रक्चर टू अगर इन दोनों के बीच में हमारे को कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई एक का एमपीएस ज्यादा है एक का ईपीएस ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा एमपीएस के साथ जाएंगे और ईपीएस को इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ने कहा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा हम चाहते हैं हमारा एमपीएस ज्यादा हो ऐसा प्लान लो तो जिसमें एमपीएस ज्यादा है उसे ले लो अगर क्वेश्चन कहता है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा ईपीएस ज्यादा हो उसे लो तो क्वेश्चन ने खुद बता दिया जैसे क्वेश्चन ने कहा हम तो अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो अर्निंग बढ़ाना चाहते हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर टू ले लो क्वेश्चन बोला हम तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ले लो क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा एमपीएस के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा तो ईबीआईटी ईपीएस चैप्टर बहुत ही आपको इन्वेस्टमेंट्स बताए जाएंगे कि एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है आपको कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर्स बताए जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स जो आपको बताए जाएंगे उनमें से हमें वो कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है जो हमारे शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा इनकम पहुंचाए या फिर हमारे शेयर होल्डर की नेटवर्थ यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसमें सबसे ज्यादा हो जाए ओके okay. अब इसके अंदर आपके पास ईबीआईटी क्वेश्चन बताएगा आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कैलकुलेशन आपको करनी होगी इंफॉर्मेशन होगी टैक्स क्वेश्चन में दिया जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा कितने रेट का प्रीफरेंस शेयर है दिक्कत आती है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर से हमें पैसा मंगवाना है तो नंबर ऑफ शेयर हम कैसे निकालते हैं देखिए नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं आपको तो फंड थ्रू इक्विटी कितना चाहिए पहले तो वो देख लीजिए और उसके बाद में नेट प्रोसीड कितनी आएगी वो देख लीजिए फंड थ्रू इक्विटी मान लो हमें दस लाख रुपए चाहिए अब आपको देखना है नेट प्रोसीड कितनी है नेट प्रोसीड का मतलब इशू प्राइस माइनस इशू मान लीजिए आपके शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फोर्टी चल रहा है मुझे बताइए अगर मेरे शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए है लेकिन मार्केट में वो फोर्टी रुपीज में बिक रहा है तो मैं उसे कितने रुपए में इशू करूं अगर कंपनी को नया शेयर इशू करना है तो कंपनी कितने में इशू करेगी बहुत ही सिंपल

फेस वैल्यू लेकर हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा दैट्स इट इतना ही करना है बहुत सिंपल है आ जाइए एक बार देखते हैं जरा कंसेप्ट ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का एक हिस्सा है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है फाइव टू टेन मार्क्स का क्वेश्चन इसका हर दूसरे अटेम्प्ट में आता रहता है पढ़ते हैं फाइनेंस मैनेजर हैज टू सेलेक्ट बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग प्लान विच प्रोवाइड हाइएस्ट ईपीएस एंड एमपीएस आउट ऑफ मैनी फाइनेंसिंग प्लान तो जो प्लान हमें ज्यादा से ज्यादा ईपीएस और एमपीएस देगा उसे हम उठाएंगे इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको सेल से शुरू करता है तो सेल लीजिए उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए ईबीआईटी आ जाएगा इंटरेस्ट माइनस करिए ईबीटी आ जाएगा टैक्स माइनस करिए ईएटी आ जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करिए आपके पास अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर हो जाएगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को डिवाइड करिए ईपीएस निकल जाएगा अगर पीई रेशो दिया हो तो एमपीएस भी निकल जाएगा नोट एमपीएस इक्व टू ईपीएस मल्टीप्लाई वे पीई रेशो ठीक है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे हम काउंट करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो ले लीजिए प्लस अगर कोई नया शेयर इशू किया गया है वो ले लीजिए तो जैसे मान लीजिए मेरे पास वन लैख शेयर पहले से हैं और फिफ्टी थाउजेंड और इशू किए तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर आपके पास हो जाएंगे न्यू शेयर कैसे निकालेंगे इक्विटी से कितना फंड लेना है डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर नेट प्रोसीड इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसिज नॉट अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना हो तो इशू प्राइस क्या मानकर चलिए एमपीएस जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है हमने उतने पर इश्यू किया होगा सेकंड नोट अगर क्वेश्चन ना बताए आपको कि एमपीएस के बेसिस पर डिसीजन लेना ही है या ईपीएस के बेसिस पर डिसीजन लेना है तो डिसीजन हमारा एमपीएस के बेसिस पर लिया जाएगा ओके okay. अब हमारे पास सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस और एमपीएस न्यू कंपनी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं एक तो क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास नई कंपनी होगी तो नई कंपनी का मतलब है पहले कुछ नहीं था अभी स्टार्ट किए तो बिल्कुल स्टार्टिंग चल रही है अब हम सोचें क्या करें तो जब आप नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको इक्विटी से या तो पैसा मंगवा सकते हो या तो इक्विटी और डेट से या फिर इक्विटी और प्रिफरेंस से लेकिन बिना इक्विटी के पैसा नहीं आ सकता इक्विटी थोड़ा बहुत तो होगा हो ही होगा नई कंपनी चालू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर तो इश्यू करने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी में क्या होता है आप पैसा किसी से भी मंगवा सकते हो

तो नई कंपनी के केस में इक्विटी से पैसा मंगवाना ही पड़ेगा उसके साथ साथ डेट और प्रीफरेंस से भी पैसा मंगवा सकते हो लेकिन इक्विटी तो इश्यू होगा ही होगा यानी मान लीजिए दस लाख रुपए आपको चाहिए नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो उस दस लाख रुपए में चाहे बीस रुपए इक्विटी से मंगवाने पड़े बिना इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपनी स्टार्ट नहीं होगी तो अगर न्यू कंपनी का क्वेश्चन होगा तो वो आपको प्लान देगा इस तरीके से एक इक्विटी एक इक्विटी डेट एक इक्विटी प्रीफरेंस यही पैटर्न है सिंपली आपको क्या करना है ईबीआईटी से चलो और ईपीएस एमपीएस तक पहुंच जाओ ओके okay. अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपके पास तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से अब आप पैसा इक्विटी से भी मंगवा सकते हो डेट से भी मंगवा सकते हो प्रीफ्रेंस से भी मंगवा सकते हो अब पैसा जो भी आपको नया पैसा चाहिए वो किससे भी मंगवा सकते हो ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्टिंग कंपनी की आपका जो ईबीआईटी है वो क्या होगा आप आज की डेट में कुछ कमा रहे होंगे जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी में से ऑफ फंड 50 लाख लगे हुए हैं ये मेरी कंपनी है और एप्लीकेशन ऑफ फंड ये 50 लाख मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं ठीक है इससे मेरे को ई मिल रहा है टेन लाख रुपीज ये मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी है अब मेरे सामने एक नया बिजनेस प्रपोजल आया कि ट्वेंटी लाख रुपीज और लगाओ और एक ब्रांच खोल लो कहीं पर अपना ऑफिस खोल लो ब्रांच खोल लो फैक्ट्री सेटअप कर लो अब क्या होगा मेरे पास जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा प्लस ये ब्रांच खोलने से कुछ एडिशनल ईबीआईटी भी आएगा मान लेता हूं टू लैख तो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी प्लस न्यू ईबीआईटी जोड़कर हमारे पास आएगा ईबीआईटी इसके बाद में इंटरेस्ट आप माइनस करेंगे अब देखिए ये जो फिफ्टी लैख मैंने मंगवा रखे थे इसमें इक्विटी से थर्टी लेख है प्रिफ्रेंस से टेन लेख है और डेट से टेन लेख है इस पर प्रीफरेंस डिविडेंड जा रहा है मेरा वन लाख रुपीज़ और इस पर इंटरेस्ट जा रहा है मान लीजिए इसके मैंने तीन तरीके निकाले इक्विटी से मंगवाऊं प्रीफरेंस से मंगवाऊं या फिर डेट से मंगवाऊं ठीक है अब अगर आप इक्विटी से पैसा मंगवाओगे तो आपकी कमाई कितनी गई ईबीआईटी गया आपका ट्वेल्व लेख 10 existing और टू लैक नया 12 लैक आ गया यानी कंपनी के, के केस में आपकी जो भी existing कमाई है, वो रहेगी। दस लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और उस पर एटी थाउजेंड इंटरेस्ट जा रहा है ये तो जाएगा ही जाएगा आप पैसा इक्विटी से मंगवाओ प्रीफरेंस से मंगवाओ या डेट से मंगवाओ मुझे बताइए तीनों केस में पुराने वाले डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा तो इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग तो जाएगा ही जाएगा वो तो पुराना लोन है उस पर देना ही देना है प्लस न्यू इंटरेस्ट और जाएगा अगर आपने डेट से पैसा लिया तो तो यहां पर न्यू इंटरेस्ट चला जाएगा इक्विटी और प्रीफरेंस में कोई नया आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा अच्छा आपका जो प्रीफरेंस शेयर से आपने टेन लैख लिए हुए हैं जब आप पी डी माइनस करोगे प्रीफरेंस डिविडेंड तो जो पुराने वाले प्रीफरेंस शेयर्स हैं उनको तो वन लैक देना ही देना है उनका वन लाख रूप जाएगा ही जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड और जो नए ट्वेंटी लाख हैं अगर आपने डेट से मंगवाए तो कोई प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं जाएगा नया इक्विटी से मंगवाया तो कोई नया प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं जाएगा लेकिन प्रीफरेंस शेयर से मंगवाओगे तो नया प्रीफरेंस डिविडेंड भी जाने लगेगा तो यानी आपके पास जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है वो तो रहेगा ही रहेगा नया और जुड़ जाएगा जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा नया और जुड़ जाएगा जो एग्जिस्टिंग प्रीफ्रेंड डिविडेंड है वो तो रहेगा ही रहेगा नया और जुड़ जाएगा तो आपके जो 50 लाख पुराने हैं उन पर जो पेमेंट है वो तो करनी ही करनी है नए 20 लाख कैसे अरेंज कर रहे हो उसके ऊपर पेमेंट आपको और करनी पड़ेगी इसके बाद में हमारे पास देखिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग वाला देखिए सब में जाएगा और न्यू वाला किस में जाएगा सिर्फ डेट के अंदर टैक्स चला गया अब प्रीफरेंस डिविडेंड देखिए एग्जिस्टिंग वाला सब में जाएगा और न्यू वाला सिर्फ किस में जाएगा प्रीफरेंस शेयर में अगर नया पैसा प्रीफरेंस शेयर से मंगवाए तो डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर सब में रहेंगे देखिए एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग नए शेयर और एड हो जाएंगे किसमें अगर आपने पैसा इक्विटी से मंगवाया तो जब हमारे अभी क्वेश्चन चलेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ओके इसके बाद हमारा इंडिफरेंस पॉइंट दूसरा कंसेप्ट है हमारे इस चैप्टर में सिर्फ दो ही कंसेप्ट है एक ही स्टेटमेंट बनाना और दूसरा इंडिफरेंस पॉइंट बहुत ही सिंपल है पहले हम लोग इसके नॉर्मल वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हम और उसके बाद में हम इंडिफरेंस पॉइंट देखेंगे तो अभी हम देखेंगे ईबीआईटी और ईपीएस तक कैसे पहुंचा जाता है आप लोग कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे हुए होने चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए जी देखिएगा कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए अब बताता हूं आपको बीबीक्यू वन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया हमारे पास बीबीक्यू वन द पर्टिकुलर रिलेटेड टू राज लिमिटेड फॉर द इंडेड थर्टी फर्स्ट मार्ट ट्वेंटी टू आर गिविन एच फॉलो जी बताइए आउटपुट यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी वन लैख सेलिंग प्राइस फोर्टी वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी फिक्सड कॉस्ट टेन लैख ओके जी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्ट ट्वेंटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल वन लैख शेयर है दस रुपए का एक है दस लाख रुपए रिजर्वेंट सरप्लस फाइव लाख रुपीज के हैं करंट लाइबिलिटीज फाइव लाख रुपीज की हैं टोटल ट्वेंटी लाख इनके पास अभी है ठीक है राज लिमिटेड है डिसाइडेड टू तो अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट टू तो यूज मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व ट्वेंटी लाख रुपीज इनको बीस लाख रुपए और चाहिए तो बीस लाख रुपए तो ऑलरेडी इनके पास है बीस इनको और चाहिए द कंपनी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन आउटपुट बाई फिफ्टी परसेंट

रुपीज सेवेंटीन पर यूनिट इसके बाद में एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन मार्केट कह रहे हैं सेलिंग प्राइस हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा उसमें हमारा कोई चेंज नहीं रहेगा ओके द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज एक्सपेंशन प्रोग्राम आर प्लान ये हमारे पास कुछ स्कीम्स इन्होंने बताई हैं जी स्कीम नंबर वन फाइव लाख ,00 रुपीज डेट ले लो बचे कितने फिफ्टीन लाख इक्विटी से मंगवा लो सेकेंड टेन लाख डेट से ले लो बचे हुए टेन लाख इक्विटी से मंगवा लो थर्ड फोर्टीन लाख डेट से ले लो बचे हुए सिक्स लाख इक्विटी से मंगवा लो स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इसके अंदर फॉर फंड बोरोड इज एड गिविन ब्लो अप टू फाइव लाख लोगे तो टेन परसेंट इंटरेस्ट होगा फाइव लाख ,00 से ऊपर दस लाख रुपए तक फिफ्टीन परसेंट इंटरेस्ट देना है और अगर दस लाख रुपए से जाओ ऊपर जाओगे तो ट्वेंटी परसेंट इंटरेस्ट देना है ठीक है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टू हंड्रेड है फाइंड आउट द अब के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करना है आपको टैक्स रेट फोर्टी परसेंट अब देखिए हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए एक तो हमें ये बताइए कि आपके पास एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है कोई कोई नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल है रिजर्व सरप्लस है करंट लाइफी है कोई लोन अभी हमारे ऊपर नहीं है कितने शेयर आपके पास अभी हैं वन लेख तो वन लैख शेयर आपके पास अभी हैं प्लस नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे पंद्रह लाख रुपए के एक शेयर टू हंड्रेड का है शेयर का प्राइस टू हंड्रेड है तो हमारे पास इशू प्राइस फिफ्टीन लैख डिवाइड बाई टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव हंड्रेड और दूसरे वाले केस में आपके पास आ गया टेन लेख डिवाइड बाई टू हंड्रेड थाउजेंड शेयर्स और सिक्स लेख डिवाइड बाई टू हंड्रेड थ्री थाउजेंड तो अगर आप ऑल्टरनेटिव जाते हो तो वन लैख शेयर आपके पास है और इशू हो जाएंगे केस में ,000 ,000 होंगे थर्ड केस में थ्री थाउजेंड वन लैख तो आपके पास ऑलरेडी है ही है तो आपके पास शेयर्स हो जाएंगे वन लैख सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लैख फाइव थाउजेंड और वन लैख थ्री थाउजेंड अब इंटरेस्ट की बात करते हैं अगर आप ऑल्टरनेटिव वन लाख का लोन लेते हो तो टेन परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिफ्टी थाउजेंड ओके अच्छा अगर आप टेन लाख का लोन देते हो तो आपके पास पहले लाख पर टेन परसेंट यानी फिफ्टी थाउजेंड बचे हुए फाइव लाख पर फिफ्टीन परसेंट यानी सेवेंटी फाइव थाउजेंड का इंटरेस्ट आपका लग जाएगा तो आपका इंटरेस्ट फिफ्टी प्लस 75 फाइव हो जाएगा अच्छा थर्ड है आपके पास ओवर टेन लाख अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 20 परसेंट लगेगा अब देखिए 14 लाख तो 14 लाख है तो पहले 5 लाख अगले 5 लाख और उसके बाद 4 लाख और पहले 5 लाख पे 10 परसेंट फिफ्टी थाउजेंड दूसरे 5 लाख पर 15 परसेंट सेवेंटी और तीसरे आपके 4 लाख पर 20 परसेंट एटी थाउजेंड का इंटरेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन खत्म बस क्वेश्चन दी एंड हो जाएगा हमारे पास ये देखेगा एक्सपेक्टेड आउटपुट वन फिफ्टी वन फिफ्टी, वन, फिफ्टी, वन फिफ्टी सेल आ गई वेरिएबल कॉस्ट हमने 17 ले ली कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया फिक्स्ड कॉस्ट हमने 15 लाख ले ली ईबीआईटी ईबीआईटी आ गया EBIT सब जगह पर सेम रहेगा उसके बाद में इंटरेस्ट माइनस किया पहले में 50 दूसरे 50 प्लस सेवेंटी फाइव तीसरे में 50 75 और 80 टैक्स माइनस किया अब नंबर ऑफ शेयर वन लैख प्लस सेवेंटी फाइव हंड्रेड वन लेख फाइव थाउजेंड वन लैख थ्री थाउजेंड ई आपके पास निकल आया जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा है टेन पॉइंट सिक्स वो प्लान हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एग्जाम में आया दिसंबर 21 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया दस नंबर में क्वेश्चन आया था तो दस दस नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू ईबीआईटी ऑफ अ कंपनी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एक कंपनी का ईबीआईटी फोर फिफ्टी है करंटली कंपनी है एटी थाउजेंड शेयर है दस रुपए का एक है यानी एट लैक ,00 रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल से है अर्निंग ,00 ,00 टेंट के रेट से जिस पर वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का इंटरेस्ट दिया है तो बताइए वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का इंटरेस्ट दिया है ट्वेल्व परसेंट के रेट से इसका मतलब आपके पास टेन लैख ,00 के डिवेंचर भी हैं दस लाख के डिवेंचर मल्टीप्लाई ट्वेल्व परसेंट करोगे तो 120 इंटरेस्ट आ जाएगा 120 इंटरेस्ट को 12% परसेंट से डिवाइड करोगे तो आपके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे ठीक है ऊपर वाला क्वेश्चन दिसंबर में नहीं मई 22 में आया था दिसंबर में नहीं मई 22 में आया था ठीक है अब हमारे पास ये आ गया 10 12 और 8 30 लाख रुपीज आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आपके पास अभी 30 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है इस टाइम पर आगे बढ़ते हैं कंपनी प्रपोज टू टेक अप एंड एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच इट नीड्स एडिशनल फंड ऑफ सिक्स लैख अब कंपनी के पास थर्टी लैख रुपीज पुराने हैं फोर पॉइंट फाइव लैख का ई बी आई टी है कंपनी को सिक्स लैख रुपीज और चाहिए ठीक है इट इज एंटीसिपेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यह हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगी ऐसे क्वेश्चन में इट इज एंटीसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी विल बी एबल टू अचीव सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट कह रहे हमें सेम रेट ऑफ रिटर्न सेम रेट का मतलब होता है परसेंटेज तो जितने परसेंट अर्निंग हम अब कमा रहे हैं उतने परसेंट अर्निंग हम आगे भी कमाएंगे तो जरा ये देखिए 4.5 पॉइंट कमाए कमा रहे हो आप 30 लाख लगाकर <coughs> 4.5 पॉइंट कमाए कमा रहे हो 30 लाख लगाकर इसका मतलब आपकी रिटर्न 15 परसेंट है तो आपको रिटर्न 15 परसेंट मिल रही है अब जरा देखिए सिक्स लाख रुपीज और बिजनेस में आएंगे तो उस पर भी फिफ्टीन परसेंट रिटर्न मिलेगी तो आपको नाइनटी थाउजेंड रुपीज का ईबीआईटी और मिलने लगेगा तो अभी फोर फिफ्टी मिल रहा है नाइनटी थाउजेंड का ईबीआईटी आपको और मिलने लगेगा कह रहे हैं आगे इट कैन रेज फंड आइदर थ्रू डेट एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम और बाई इशू इक्विटी शेयर एट पार इक्विटी शेयर की पार वैल्यू है दस रुपए तो दस रुपए का एक शेयर है तो सिक्स लैख के लिए सिक्सटी थाउजेंड शेयर आपको इशू करने पड़ जाएंगे टैक्स रेट इज फोर्टी परसेंट द अर्निंग पर शेयर इफ एडिशनल फंड रेज थ्रू डेट और रेट बाई इक्विटी अब जरा देखिए अगर हम डेट से मंगवाएंगे तो क्या होगा ईबीआईटी आपका फिफ्टीन परसेंट कमाओगे और थर्टी सिक्स लैख पर थर्टी लैख पर भी फिफ्टीन परसेंट और सिक्स लैख पर भी फिफ्टीन परसेंट तो आपकी इनकम फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड हो गई अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग लोन है जिस पर 120 का इंटरेस्ट जा रहा है वो तो हर केस में जाएगा ही जाएगा लेकिन नया लोन तब जाएगा जब नया पैसा डेट से मंगवाओगे तो नया पैसा अगर आपने डेट से मंगवाया है तो उस पर इंटरेस्ट हो गए यहां कोई इंटरेस्ट नहीं जाना ईबीआईटी ईबीटी आ गया टैक्स माइनस करिए ईएटी आ गया अब डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अगर डेट से पैसा मंगवाया है तो आपके नंबर ऑफ शेयर नॉर्मली जितने थे एटी उतने ही रहेंगे तो एटी हो गए और अगर आपने पैसा इक्विटी से मंगवाया तो आपको सिक्सटी थाउजेंड शेयर और इश्यू करने पड़ेंगे तो आपके शेयर हो जाएंगे वन पॉइंट फोर लैक ईपीएस निकलकर आ जाएगा जिसका ईपीएस ज्यादा है उसे देख लीजिए तो ईपीएस डेट प्लान का ज्यादा है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन ने क्या लाइन लिखी है जरा देखे एडवाइज वेदर द कंपनी शुड गो फिर फॉर एक्सपेंशन प्लान क्या कंपनी को एक्सपेंशन प्लान पे जाना चाहिए तो इसका मतलब इनका पहला क्वेश्चन है कि हम एक्सपेंशन करें भी या ना करें तो हम एक्सपेंशन करें या ना करें उसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा कि आप आज की डेट में क्या कमा रहे हो तो हमने निकाला यहां पर एग्जिस्टिंग ईपीएस तो एग्जिस्टिंग ईपीएस इनका आ गया टू पॉइंट फोर सेवन फाइव एग्जिस्टिंग ईपीएस टू पॉइंट फोर सेवन फाइव है एक्सपेंशन के बाद ईपीएस कितना हो रहा है वन पॉइंट एट रिजेक्ट टू पॉइंट सिक्स यस तो हमें एक्सपेंशन करनी चाहिए और किस प्लान के थ्रू करनी चाहिए डेट प्लान के थ्रू करनी चाहिए तो पहले का जवाब यस हमें एक्सपेंशन करनी चाहिए किस सोर्स से करनी चाहिए डेट सोर्स से करनी चाहिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एकदम बढ़िया इसके बाद में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री यह स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है पढ़ते हैं एक बार द फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑटोमेशन लिमिटेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 52 लाख है डिवेंचर इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट है ट्वेल्व लैक के इसका मतलब डिवेंचर की अमाउंट कितनी होगी डिवेंचर की अमाउंट होगी ट्वेल्व लैक डिवाइड बाई ट वन हंड्रेड लैख इसका मतलब एक करोड़ रुपए के आपके पास डिवेंचर है उस पर ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट ट्वेल्व लैख रुपीज आप दे रहे हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है टैक्स फिफ्टी परसेंट है इक्विटी शेयर दस रुपए का एक एट लैख शेयर है ईपीएस आ गया पी रेशो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है ठीक है अब क्वेश्चन क्या कह रहे द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ टोटल कैपिटल आउटले ऑफ फोर्टी थाउजेंड कंपनी को चालीस लाख रुपए की जरूरत है यू आर दैट डेट इक्विटी रेशो और इन्होंने यहां पर लिखा है डेट इक्विटी रेशो का मतलब डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी हायर देन थर्टी फाइव परसेंट अगर ये रेशो थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा हुआ तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है के ही है, वो 12.5 परसेंट हो जाएगा फिर कह दिया इस लाइन को छोड़ो मतलब है कि आपका जो पी रेशो है वो एट हो जाएगा अब देखिए पी रेशो एट होने से क्या होगा पी रेशो अगर एट हो गया तो 2.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई एट आपके शेयर का प्राइस ही अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा इन फ्यूचर अगर आपने ऐसे लोन लिया तो ठीक है तो पी रेशो आपका एट हो जाएगा एंड राइज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल अमाउंट बोरोड एट फोर्टीन परसेंट तो देखिए ध्यान से देखिए अगर आपका डेट इक्विटी रेशो 35 परसेंट क्रॉस कर गया तो पी पीई -E हम 8 लेंगे और एडिशनल अमाउंट जो भी लोन से लेकर आओगे वो 14 परसेंट पर आएगी और अगर पी रेशो -E 35 परसेंट से कम रहा तो क्या होगा जी अगर 35 से कम रहा तो हमारा पीई रेशो -E जो आज है 10 वही रहेगा दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व है वही रहेगा तो इंटरेस्ट रेट ट्वेल्व रहेगा और पी रेशो टेन रहेगा लेकिन थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा हो गया तो पी रेशो -E आपका हो जाएगा एट और इंटरेस्ट रेट हो जाएगा आपका फोर्टीन परसेंट ठीक है कह रहे हैं फाइंड आउट प्रोबेबल प्राइस ऑफ शेयर इफ एडिशनल आर एट टर्म लोन द अमाउंट इज रेज बाई इक्विटी शेयर ओके और यहां पर दिखा है रिटेन अर्निंग ऑफ कंपनी वन करोड़ देखिए अब आपको सिर्फ एक काम करना है डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी रेशियो निकालना है यह चेक करना है कि वो 35 परसेंट है या उससे कम है ओके okay. तो हमारे पास अभी डेट कितना है 100 लाख। इक्विटी कितना है दस रुपए का एक है 8 लाख शेयर्स हैं 8 लाख शेयर्स दस रुपए का एक 80 लाख रुपीज तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल से प्लस यहां पर दिया हुआ है रिटर्न डर्निंग रिटर्न डर्निंग आपकी है वन टू लेख यानी वन ट्वेंटी लैख तो इसका मतलब टू हंड्रेड लेख रुपीज आपके पास इक्विटी फंड है ओके। okay. अब हमारे पास अभी आपके पास कितना लोन है? 100 लैख का लोन प्लस इक्विटी का पूरा फंड कितना है टू हंड्रेड लैख ओके ये अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन हमारी चल रही है अगर आपने पैसा लोन से मंगवाया लोन से कितने रुपए चाहिए फोर्टी लैख तो 40 लाख ऊपर लोन में जुड़ जाएगा और नीचे भी लोन में 40 लाख जुड़ जाएगा अब आपके पास रेशो हो गया 140 फोर्टी डिवाइड बाई थ्री फोर्टी वन फोर्टी डिवाइड बाई थ्री फोर्टी हमारे पास आ गया 41 वन परसेंट तो थर्टी वन परसेंट को क्रॉस 35 को क्रॉस कर गया तो अगर 35 परसेंट को क्रॉस कर गया तो अब आपका पी रेशो आप लोगों एट और रेट ऑफ इंटरेस्ट फोर्टीन लगेगा अच्छा अगर पैसा मैं इक्विटी से मंगवाऊं तो क्या होगा तो लोन 100 लाख ही रहेगा और आपके पास इक्विटी फंड में 40 लाख रुपीज और जुड़ जाएंगे अब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी 100 डिवाइड बाई 340 फिर परसेंटेज आएगी आपके पास 29 परसेंट तो 29 परसेंट अगर आपके पास परसेंटेज है यानी 35 परसेंट से कम है तो पी रेशो 10 रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12 परसेंट रहेगा तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने निकाली कैपिटल कितनी है थ्री करोड़ फिर हमने यहाँ पर निकाला डेट इक्विटी रेशो कितना है अगर डेट से मंगवाया तो 41 परसेंट अगर इक्विटी से मंगवाया तो 29 अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन ने आपको नहीं बताया कि यह जो 40 लाख रुपीज हम मंगवा रहे हैं इस 40 लाख रुपीज पर रिटर्न कितनी आएगी नया 40 लाख मंगवा रहे हो आप फोर्टी लैख रुपीज बिजनेस में लगाओगे तो कुछ रिटर्न भी तो आनी चाहिए तो अगर क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट रहता है कि आपके पास रिटर्न कितनी आएगी तो हम ये मानेंगे जितने परसेंट रिटर्न हमें आज मिल रही है उतने परसेंट रिटर्न हमें कल भी मिलेगी तो आप ये बताइए अभी आपका ईबीआईटी कितना है अभी हमारा ईबीआईटी है 52 लाख। आपके टोटल फंड्स कितने हैं अभी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 300 हंड्रेड लैख परसेंटेज निकाल लीजिए कितने परसेंट आज कमा रहे हो आप 52 टू डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड सेवनटीन कमा रहे हो आप आज तो हम ये मानेंगे कि आप इस फोर्टी लैख पर भी उतना ही कमाओगे तो अगर चैप्टर e e e में क्वेश्चन ना बताए कि नए फंड पर कितना कमाओगे तो हम मानेंगे सेम रेट ऑफ रिटर्न हम इसमें कमाएंगे तो आपके पास यहां पर नोट इस क्वेश्चन में e नहीं दिया हुआ, तो हम ये करके चलेंगे अर्न करेंगे यहां पर हमने निकाल के दिखा दिया कि हमारी रिटर्न कितनी आ रही है फिफ्टी टू लैख थ्री हंड्रेड लैख पर सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इतना ही आगे भी कमाएंगे अब देखिए बी आई टी सेवेंटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट थ्री करोड़ फोर्टी लैख टोटल पैसा आप बिजनेस में आ गया ये आ गया इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग तो दोनों केस में जाएगा न्यू वाला फोर्टीन परसेंट से जाएगा डेट वाले केस में 14 क्यों है थर्टी फाइव परसेंट को क्रॉस कर गया अगर थर्टी फाइव परसेंट को क्रॉस नहीं करता तो ट्वेल्व परसेंट लेते दूसरी बात पुराने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करोगे आप सिर्फ नए वाले की बात हो रही है तो नया वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो फोर्टीन लगेगा इसके बाद में क्वेश्चन आपसे कह रहा है टैक्स फिफ्टी परसेंट है नंबर ऑफ शेयर एट लैख शेयर आपके अब आ गए कितने रुपए चाहिए आपको फोर्टी लैख ,00 एक शेयर कितने में बिक रहा है पच्चीस रुपए में तो फोर्टी लैख डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव रुपीज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे तो नेट प्रोसीड में हमेशा क्या ले लेना है मार्केट प्राइस आपके शेयर हो गए नाइन सिक्सटी ईपीएस आ गया पी रेशो क्योंकि यहां पर आपका डेट इक्विटी रेशो थर्टी फाइव परसेंट क्रॉस हो गया था तो पी रेशो यहां पर रहेगा एट दूसरे वाले में क्रॉस नहीं हुआ था तो वहां पर टेन यहां बीस रुपए का शेयर यहां ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर फोर का शेयर क्वेश्चन खत्म स्टडी मॉड्यूल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कभी भी आ सकता है सीधा जब भी आएगा फाइव मार्क्स में टेन मार्क्स में आ सकता है देखिए ईबीआईटी ईपीएस का कोई भी क्वेश्चन कभी एग्जामिनर फाइव में पूछ लेता है कभी टेन में पूछ लेता है वैसे इसकी जो वर्थ है वो फाइव मार्क्स के अराउंड होती है लेकिन कई बार ये दस में भी पूछ लेते हैं आपसे जी इसके बाद में हमारे पास है अब इनडिफरेंस पॉइंट वाले क्वेश्चन हमारा अगला कंसेप्ट देखिए एक कंसेप्ट है इनडिफरेंस पॉइंट इनडिफरेंस पॉइंट क्या करता है इनडिफरेंस पॉइंट कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर वन और कैपिटल स्ट्रक्चर टू इन दोनों का ईपीएस सेम हो जाए ऐसा ईबीआईटी ढूंढो तो ऐसा ईबीआईटी ढूंढना जिसमें दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर का ईपीएस सेम हो जाए उसे हम कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट ये बड़ा सिंपल सा है बहुत ज्यादा आसान है इसमें हम करते क्या है ईपीएस देखिए आप लोग कैसे निकालते थे पहले ईबीआईटी लेते थे फिर इंटरेस्ट माइनस करते थे ईबीटी आ जाता था फिर उसमें से टैक्स माइनस कर देते थे ईएटी आ जाता था फिर उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करते थे फिर अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाती थी उसे फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते थे ईपीएस आ जाता था हम इसको सिंपली एक इक्वेशन में लिख सकते हैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ये ईबीटी हो गया आपके पास ईबीटी निकल गया इसमें से टैक्स माइनस करना है तो आफ्टर टैक्स बनाने के लिए वन माइनस टी का इस्तेमाल करते हैं इसे माइनस करेंगे हम प्रीफरेंस डिविडेंड से तो हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी आ गई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर रख दीजिए आपके पास ईपीएस निकल आएगा तो अब हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा कोई भी के पॉइंट निकालो बड़ा सिंपल सा एक काम करना है आपको यहां पर रख दीजिए ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टैक्स अगर प्रीफरेंस शेयर है तो पी डी माइनस कर दीजिए फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा ओके डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अंडर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर वन फिर उठाइए माइनस आई वन माइनस टी माइनस रिफरेंस अगर हैं तो अगर नहीं है तो पी डी माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है डिवाइड नंबर ऑफ़ शेयर अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर टू इक्वेशन को सोल्व करिए आपके पास आंसर आ जाएगा जब आपके पास आंसर आएगा तो इनडिफरेंस पॉइंट इस तरह से नजर आता है हमारे पास यहां पर हमारा ईपीएस और यहां पर हमारा बी आई टी इस ग्राफ को अभी थोड़ी देर में आकर हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस ग्राफ के साथ में मुझे आपको फाइनेंशियल ब्रेक पॉइंट भी बताना है ओके okay. आ जाइए अब हमारे पास बीबी क्यू फोर एल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड अमाउंटिंग एटी लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट टू रेज द फंड एंड कंपनी हैज फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव हैं ऑल्टरनेटिव वन टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इच एट पार इक्विटी शेयर को इशू कर दीजिए पार पर अमाउंटिंग टू सिक्सटी लैख इसका मतलब आपके सिक्स लैख शेयर इशू कर दीजिए एंड बोरो द बैलेंस बैलेंस है ट्वेंटी लैख उसे ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट से इशू कर दीजिए पहला प्लान हो गया प्लान नंबर टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इच एट पार एंड ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर इन इक्वल प्रपोर्शन यानी आप 40 लाख रुपीज शेयर से मंगवा लीजिए और 40 लाख लोन से तो 40 लाख रुपीज शेयर से मंगवाने तो शेयर इशू करने पड़ेंगे 4 लाख शेयर्स दस रुपए का एक इशू करेंगे कह रहे हैं इंडिफरेंस पॉइंट बताइए और यह भी बताइए कि कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल होगा अलग अलग सिचुएशन में यह मान लीजिए कि टैक्स रेट थर्टी है तो हमारे पास ये जो इन्होंने दिया है स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन सिंस पॉइंट निकालना तो आसान है उसके आगे वाला पॉइंट मेरे को आपको समझाना है अब देखिए पॉइंट में क्या करना है माइनस आई टी नहीं है तो पीडी नहीं आएगा इक्व टूबीआईटी माइनस आई वन माइनस थ्री डिवाइड बाई एन टू पहले वाले में ईबीआईटी ट्वेंटी लैख का लोन है ट्वेल्व परसेंट से वन माइनस टैक्स आ गया यहां पर फोर्टी लैख का लोन है यहां पे शेयर्स आपके पास सिक्स लेख आएंगे और यहां पे शेयर्स फोर लेक आएंगे सिक्स लेख एंड फोर लैक आएंगे यहां पर अच्छा सौ रुपए का शेयर है सौ रुपए का शेयर है सिक्सटी थाउजेंड शेयर एंड फोर्टी थाउजेंड शेयर तो सिक्सटी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड आ गए अब इक्वेशन को सोल्व करना है आपको आराम से देखिए टैक्स से टैक्स कैंसिल हो जाएगा फोर्टी और सिक्सटी टू से कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर थ्री यहां पर टू अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो EBIT आपके पास 960 आ जाएगा यानी 960 के EBIT पर दोनों प्लान एक बराबर रहेंगे अब इसमें ये दोनों प्लान को मैं लेके चल रहा हूं देखिए दोनों प्लान है ये 2.4 पॉइंट और ये ओके नाइन पे दोनों बराबर है यहां पर खर्चा है 2.4 पॉइंट और यहां पर खर्चा है 4.8 पॉइंट यहां पर जो आपका खर्चा है वो 2.4 पॉइंट है इंटरेस्ट का यहां पर इंटरेस्ट का खर्चा 4.8 पॉइंट है ओके आ जाइए इन डिफरेंस पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपसे क्या कहता है कि ऐसा ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो हो जाए ऐसा ईबीआईटी जिस पर ईपीएस जीरो हो जाए तो देखिए अगर किसी भी प्लान का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो फाइनेंशियल बीपी का फॉर्मूला समझते हैं कैसे बना हुआ है ईपीएस टू ईबीआईटी माइनस आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाय प्रीफ्रेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर ये हमारे पास था कि ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटाओ फिर टैक्स हटाओ प्रीफ्रेंस डिविडेंड हटाओ और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो ये कह रहे हैं कि हमें ईपीएस जीरो चाहिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर तो ये हो गया जीरो नंबर ऑफ शेयर सामने आके जीरो में मल्टीप्लाई होगा ये भी जीरो हो गया तो हमारे पास बचा जीरो इक्वस टू ईबीआईटी माइनस आई वन माइनस टी माइनस पी डी अब यह पीडी सामने आके प्लस का पी डी बन जाएगा तो यहां मुझसे माइनस का पी डी हट गया यहां पर आके प्लस का पीडी बन गया ओके अब इन ब्रैकेट को हम खोल देंगे बाहर वाले अब हमारे पास रह गए पीडी इक्वस टू ईबीआईटी माइनस आई और वन माइनस टैक्स अब ये जो वन माइनस टैक्स है सामने जाकर डिवाइड हो जाएगा ओके okay. तो हमारे पास पी डी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स इक्व टू ईबीआईटी माइनस आई अब ये माइनस का आई सामने जाकर एड हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आई प्लस पी डी डिवाइड बाई वन माइनस टी तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ई बी आई टी इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स के बराबर होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा ओके okay. तो हमारे पास फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इसके साथ में पूछ के चलते हैं तो साथ में बताना था अब जरा देखिए इन डिफरेंस पॉइंट क्या करता है जैसे दो प्लान अभी हमने लिए ये हमारे पास क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है कि भाई एक प्लान है जिसमें 2.4 पॉइंट फोर का इंटरेस्ट है एक है जिसमें 4.8 पॉइंट एट का इंटरेस्ट है तो जो सस्ता है ना जिसमें कम खर्चा है इसमें खर्चा कम है तो हमें इसकी लाइन ऐसे नजर आएगी कि ऐसे जा रही है और जो दूसरा वाला है जो महंगा है जिसमें फोर पॉइंट एट लैक का खर्चा है उसकी लाइन हमें थोड़ी आगे से जाती हुई दिखाई देगी वो ऐसे जाएगी एक दिन दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो ये है हमारे पास प्लान वन जिसमें हमारा खर्चा कम था इस खर्चे को हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इसमें कम है अच्छा जो दूसरा प्लान है उसके अंदर जो बाद में स्टार्ट होता है बाद में वो प्लान स्टार्ट होता है जिसके अंदर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी वो बाद में क्रॉस करके क्यों निकल जाता है वो बाद में क्रॉस करके इसलिए निकल जाता है क्योंकि आप जब ज्यादा लोन लेते हैं तो फाइनेंशियल लीवरेज एक दिन आपके फेवर में काम करने लग जाती है तो आपका जब आर ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो फाइनेंशियल लीवरेज फेवर में काम करेगी तो उस फेवर की वजह से प्लान टू प्लान वन को क्रॉस करके आगे निकल जाता है ओके okay. अब यहां पर जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इसको बोला गया है पॉइंट। यहां पर दोनों का ईपीएस सेम होगा इसके नीचे जो भी आया वो ईबीआईटी। आपका इंडिफरेंस पॉइंट के नाम से जाना जाता है कि भाई ये इंडिफरेंस पॉइंट है तो हमारे वाले क्वेश्चन में आगे नाइन लेख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब बताया गया कि आपको क्या दिमाग लगाना है बड़ा सिंपल सा कि इनडिफरेंस पॉइंट से इंडिफरेंस पॉइंट से अगर हम नीचे आते हैं तो कौन सी लाइन ऊपर है कौन सा प्लान डोमिनेट कर रहा है तो यहां पर प्लान वन ऊपर है ये प्लान वन की लाइन है तो इसका मतलब प्लान वन बेटर है अगर इनडिफरेंस पॉइंट से आप नीचे हो तो यहां पर हमारे पास निकल कर आता है कि अगर आपकी कमाई अगर आपकी कमाई डिफरेंस पॉइंट से कम है तो उस प्लान के साथ जाइए जिसमें फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम हो तो अगर आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से कम है तो उस प्लान के साथ जाइए जिसमें फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कम हो और अगर आपकी एक्सपेक्टेड इनकम इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है ऊपर है इफ ईबीआईटी इज हायर देन इन डिफरेंस पॉइंट तो फिर बताइए कौन सी लाइन डोमिनेटिंग हो गई फिर प्लान टू ऊपर चला गया तो फिर उस प्लान के साथ जाइए जिसकी फाइनेंशियल फिक्सड कॉस्ट हाई हो फिर वो ज्यादा कमा कर देगा और इंडिफरेंस पॉइंट पर दोनों एक बराबर रहेंगे ओके अब हमारे पास देखिए यहां पर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक तो कहेगा कि इंडिफरेंस पॉइंट निकाल दो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद में आपसे कह देगा कि भाई आप ये बताओ कि किन सिचुएशन में कोई प्लान बेटर होगा तो बड़ा सिंपल है प्लान अगर पूछा है आप सिंपली देखो कि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट किसकी ज्यादा है फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट और प्रीफरेंस तो यहां इंटरेस्ट है सिर्फ तो इसका इंटरेस्ट है टू पॉइंट फोर इंटरेस्ट है बताइए इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है इसमें इसका मतलब ये हाई बर्डन वाली चीज है और इसमें बर्डन कम है ये कम बर्डन वाली चीज है तो इंडिफरेंस पॉइंट से नीचे जिसमें बर्डन कम है वो बेटर रहेगा तो देखिए अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कम है इंडिफरेंस पॉइंट यानी 960 से तो ऑल्टरनेटिव वन के साथ जाइए क्योंकि उसमें फाइनेंशियल फिक्स बर्डन कम है अगर ईबीआईटी आपका ज्यादा है 960 यानी इन डिफरेंस पॉइंट से तो उस ऑल्टरनेटिव के साथ जाइए जिसमें फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा हो और अगर इनडिफरेंस पॉइंट नाइन अगर आपका ईबीआईटी बी पॉइंट यानी 960 के बराबर है तो कोई भी प्लान ले सकते हैं इसे हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन अब देखिए इसमें हमारे पास जहां पर कंसेप्ट मेंशन है वहां पर देखिए इन पॉइंट इन पॉइंट रेफर्स द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस अंडर टू डिफरेंट ऑप्शन आर सेम सिंपल आपको इन पॉइंट का फॉर्मूला दूसरे इन पॉइंट के सामने ईपीएस का फॉर्मूला दूसरे ईपीएस के सामने रख देना है इक्वेशन सोल्व करनी है आपके पास इन पॉइंट आ जाएगा ये इस तरीके से नजर आता है नीचे ईबीआईटी है यहां पर ईपीएस है तो एक लाइन जो शुरू में चलेगी वो डोमिनेट करती हुई चलेगी कम फाइनेंशियल फाइनेंशियल वाली वाली जो लाइन है वो बाद में शुरू होगी लेकिन एक दिन इसको इंटरसेक्ट करके आगे निकल जाएगी अब अगर आपकी कमाई पॉइंट से ज्यादा है तो डेट ऑप्शन पे जाइए आपकी कमाई इन डिफरेंस पॉइंट से कम है तो इक्विटी ऑप्शन पे जाइए क्योंकि यहां पर इक्विटी बेटर है और यहां से यहां तक डेट बेटर है और अगर आपकी कमाई इंडिफरेंस पॉइंट के बराबर है यानी ईबीआईटी आपका इंडिफरेंस पॉइंट के इक्वल है तो दोनों में से कोई भी प्लान आप ले सकते हैं ओके इसके बाद में हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास अगर ईबीआईटी आपका कम है इंडिफरेंस पॉइंट से तो लोअर फिक्स्ड बर्डन के साथ जाइए अगर बराबर है तो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए और अगर ज्यादा है तो हायर फिक्स्ड बर्डन के साथ आप जाएंगे ओके इसके बाद में हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इसमें ईबीआईटी इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रीफ्रेंस डिविडेंड डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स रखना है यह बताता है कि कितने ईबीआईटी पर आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा ओके आते हैं वापस हम थे अभी BBQ क्यू फोर पर BBQ क्यू फाइव यह क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में फाइव मार्क्स में आ जाता है आपका बहुत सिंपल होता है बहुत आसान एनअन लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ नाइन करोड़ नो करोड़ रुपए की आपको जरूरत है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन ट्वेल्व परसेंट है टैक्स रेट थर्टी परसेंट है इनडिफरेंस पॉइंट प्रोजेक्ट के लिए निकालिए कंसिडरिंग द डेट इक्विटी रेशो इंसिस्टेड बाई फाइनेंशियल एजेंसी टू स्टूवन तो कह रहे हैं कि आपको इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है अगर डेट इक्विटी रेशो आपको टू इज वन रखना हो तो अब इसके अंदर हमारे पास ये देखिए प्लान कितने नजर आ रहे हैं आपको इन पॉइंट निकालने के लिए तो प्लान चाहिए स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है इन पॉइंट निकालने के लिए हमें कम से कम दो प्लान चाहिए प्लान वन और प्लान टू अब एक तो मुझे नजर आ रहा है यहां पर कि क्वेश्चन ने कहा है कि फाइनेंशियल एजेंसी ने कहा है कि डेट इक्विटी रेशो टू इज वन रखो तो यहां पर तो मैं भाई कर लूंगा कि डेट और इक्विटी दोनों से मिलाकर नाइन सी आर चाहिए टू इज वन में तो इससे सिक्स करोड़ मंगवा लूंगा इससे थ्री करोड़ मंगवा लूंगा अब प्लान वन में क्या बनाऊं और तो कोई प्लान दिख ही नहीं रहा तो अगर क्वेश्चन कभी इंडिफरेंस पॉइंट निकलवाता है और कोई एक ही प्लान बताता है आपको तो हम जो बैलेंस प्लान होगा वो क्या मान लेंगे कि यहां पर पैसा हंड्रेड हम इक्विटी से मंगवाएंगे तो ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है तो अगर एग्जाम में एक प्लान दिया जाए आपको तो बैलेंस प्लान हमेशा क्या मान लीजिए कि पैसा पूरा का पूरा इक्विटी से है ओके आंसर हम दो प्लान लेके चल रहे हैं कि इक्विटी शेयर नाइन करोड़ के इशू कर देते हैं तो और दूसरा सिक्स करोड़ डेट से और थ्री करोड़ इक्विटी से मंगवाएं तो ओके अब इक्विटी शेयर का इश्यू प्राइस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया अगर इक्विटी शेयर का इश्यू प्राइस नहीं दिया गया तो हम टेन फेस वैल्यू एज्यूम कर लेंगे आप सौ रुपए भी कर सकते हो एग्जाम में वो आप लिख देंगे। तो हमने पर फेस वैल्यू, 10 रुपीज लेकर ही बताए और आप इंडिफरेंस तो दूसरा प्लान आपको क्या लेना है 100 अच्छा, हमेशा आपको अगर एक में दिया जाएगा तो वो डेट इक्विटी का मिक्सचर देंगे दूसरा हम सिर्फ इक्विटी मान लेंगे इसके बाद हमारे पास है बीवी क्यू सिक्स बड़ा फेमस क्वेश्चन है यो यो लिमिटेड प्रेजेंटली है थर्टी सिक्स लैख डेट तो इनके पास थर्टी सिक्स लैख का डेट अभी है इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट है इट विसिज टू फाइनेंस फोर्टी लैख एक्सपेंशन प्रोग्राम एंड इज कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव वन एडिशनल डेट ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट से मंगवाया जाए या फिर स शेयर से पैसा मंगवाया जाए इलेवन परसेंट डिविडेंड के साथ या फिर इक्विटी शेयर से पैसा मंगवा दिया जाए और सिक्सटीन रुपीज में हम इशू करेंगे कंपनी प्रेजेंटली है एट थाउजेंड शेयर और टैक्स रेट है फोर्टी परसेंट तो बहुत सिंपल है हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पॉइंट इफ ई बी आई टी प्रेजेंटली फिफ्टीन लेख वॉट वुड वी ईपीएस फॉर थ्री ऑल्टरनेटिव एज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी कह रहे हैं हमारा 15 लाख ,00 का प्रॉफिट अगर है और हमें नहीं लगता ये बढ़ेगा तो आपको बताना है तो देखिए 15 लाख ,00 आ गया अब सबसे पहले 36 लाख ,00 का जो डेट है उस पर टेन परसेंट इंटरेस्ट दे दो जो हो गया आपका थ्री लैख सिक्स थाउजेंड तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट थ्री सिक्सटी आ गया इसके बाद में हमारे पास तीन ऑप्शन है नया फोर्टी लैख ,00 मंगवाने के डेट से मंगवाए प्रीफ्रेंस से मंगवाएं या फिर इक्विटी से मंगवाएं ये तीन ऑप्शन है अगर आप अगर आप डेट से मंगवाते हो नया फोर्टी लैख तो एक लोन और हो गया पुराना तो थर्टी सिक्स है एक लोन और हो गया और ये बारह परसेंट पर होगा तो ट्वेल्व परसेंट फोर्टी लैख का डेट वाले प्लान में इंटरेस्ट और जाएगा न्यू इंटरेस्ट के नाम से बाकी दोनों में नहीं आएगा क्योंकि बाकी दोनों में पैसा डेट से नहीं मंगवा रहे एक में प्रिफरेंस से मंगवा रहे हैं, एक में इक्विटी से ठीक है जी ईबीटी आ गया टैक्स आ गया अब प्रीफरेंस डिविडेंड 11% के रेट से इशू करेंगे तो प्रीफ्रेंस शेयर्स आ गया आपका डिविडेंड फोर लैख फोर्टी थाउजेंड फोर्टी लैख का इलेवन परसेंट थर्ड है कि एट लैख शेयर्स हमारे पास हैं और सिक्सटीन रुपीज के हिसाब से और इशू कर सकते हैं तो फोर्टी लैख मंगवाया सिक्सटीन रुपीज का शेयर यानी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स आप और इशू करने वाले हैं तो हमारे पास अगर डेट से पैसा मंगवाओगे तो सिर्फ एट लैख शेयर स से मंगवाओगे तो सिर्फ एट लैख इक्विटी शेयर लेकिन अगर इक्विटी से मंगवाओगे तो एट लैख पुराने प्लस टू पॉइंट फाइव लैख नए टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड शेयर हमारे पास आ जाएंगे ये हमारे पास तीनों केस में ईपीएस निकलकर आ गया ओके क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है और इसके अंदर बहुत बच्चों के डाउट आते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर इसका सेकंड वाला पोर्शन कैसे होगा एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रीफर आप बताइए आप कौन से ऑल्टरनेटिव को लेंगे आप मुझे बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा ईपीएस किसका है पॉइंट सिक्स फाइव वन इक्विटी ऑप्शन का तो हम इक्विटी ऑप्शन को प्रीफर करेंगे ठीक है आगे इन्होंने जो लाइन लिखी है वो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें कह रहे कंप्यूट हाउ मच वुड ई बी आई टी नीड टू इंक्रीज फोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट कह रहे हमें कितना ई बी आई टी और बढ़ाना पड़ेगा अगर हम किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव को चूज करना चाहते हैं तो अब जरा मुझे बताइए आपने इक्विटी चूज किया है अभी अगर सॉरी हाँ अगर आप इक्विटी चूज नहीं करते तो कौन सा ऑप्शन चूज करते वो बता दीजिए मेरे को अगर हम इक्विटी चूज नहीं करते तो फिर जरा देखिए इन दोनों में देखो कौन सा चूज करते हैं इन दोनों में पॉइंट फोर नाइन फाइव फिर डेट चूज करते ठीक है तो हमें कंपेरिजन करना है डेट और इक्विटी का तो इक्विटी अभी विनिंग पोजिशन में है क्वेश्चन कह रहा है हमें कितना ईबीआईटी और बढ़ाना पड़ेगा कि हम दूसरे ऑप्शन पे चले जाएं यानी डेट ऑप्शन पे चले जाएं तो अब हम इन दोनों प्लान का इन पॉइंट निकालेंगे तो यहां पर हमने निकाला इक्विटी जो बेस्ट ऑप्शन है और डेट जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है इनके बीच में इन पॉइंट इनका इन पॉइंट आया ट्वेंटी हमारा ईबीआईटी जब ट्वेंटी थ्री लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड होगा तब दूसरा ऑप्शन इक्वल हो जाएगा और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन विनिंग में होगा ओके okay, अब जरा देखिए अभी आपका ईबीआईटी कितना चल रहा है क्वेश्चन में फिफ्टीन लेख हमें EBIT कम से कम कितना चाहिए दूसरे ऑप्शन पर पहुंचने के लिए 2376 तो कितना EBIT आपको बढ़ाना पड़ेगा एट लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड हमें बढ़ाना पड़ेगा यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपको कितना ई बी आई टी बढ़ाना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन पे जाने से पहले तो हमें अपना ई बी आई टी एट सेवेंटी सिक्स बढ़ाना पड़ेगा तो स्टडी मॉड्यूल में क्या किया हुआ है स्टडी मॉड्यूल में यह वर्किंग नोट नहीं है वहां पर यह दिया हुआ ही नहीं है वहां सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है तो वहां पर मिसिंग है ये आने वाले फ्यूचर में शायद वो इसको इन्वॉल्व कर लें करना जरूरी है इसके बिना आंसर नहीं हो सकता सीधी लाइन लिखकर आंसर नहीं हो सकता तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें यह स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है अब आपके साथ में सपोर्टिंग वर्किंग नोट है तो बहुत आसान है ओके इसके बाद में हमारे पास है बीबी क्यू सेवन बीबीक्यू सेवन से पे जाने से पहले हमें अपनी ई का लास्ट कॉन्सेप्ट देखना होगा जो है हमारे पास दिस इज दिस इन डिफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ शेयर देखिए हम जब इन पॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस ट्री डिवाइड बाई एन वन फिर इक्व टू इतना क्या है कई बार आपके सामने क्या सिचुएशन आएगी जैसे देखिए हमने रखा ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टी मान लेता हूं डेट डेट है डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन वन दूसरे ऑप्शन में ई बी आई टी माइनस आई वन माइनस टी डिवाइड बाई एन टू ठीक है अब जरा सोचिए अगर आपका एन वन और ये एन टू दोनों एक बराबर हो जाए यानी यहां भी वन लैक इक्विटी शेयर है और यहां भी वन लैख इक्विटी शेयर है तो वन लैख से वन लैक कैंसिल हो जाएगा आमने सामने का, तो ये हो गए इनके गायब, वो एक दूसरे से कैंसिल हो अब हमारे सामने बची। EBIT -I 1 -T गया चलो जी एब जरा देखिए माइनस आई ई बी आई टी माइनस आई अब अगर ये दोनों के माइनस आई सेम है यहां पर दो सिचुएशन एराइज हो जाती हैं कि ये या तो इनका आई और सामने वाला आई एक बराबर होगा ऐसा हो सकता है सामने वाले में माइनस पी डी भी हो तो आई और पी डी दोनों मिलाकर इस आई के बराबर होंगे या तो या फिर नहीं होंगे दो ही सिचुएशन है या तो आमने सामने इक्वेशन एक दूसरे के बराबर होंगी या फिर नहीं होंगी तो यहां पर हमारे पास एल एच एस इक्व टू आर एच एस होगा या तो या फिर एल एच एस और RHS एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो अगर दोनों की फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एक बराबर है तो यह सिचुएशन होगी और दोनों की फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बराबर नहीं है तो यह सिचुएशन होगी तो हमारे सामने अगर नंबर ऑफ शेयर सेम हो तो दो सिचुएशन होगी कि RHS और एल एच एस एक बराबर हो गए या फिर एक बराबर नहीं हुए ठीक है अब मान लो बराबर हो गए तो क्या सिचुएशन होगी एक बराबर हो गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई बी आई टी टू ईबीआईटी ये सोल्व ही नहीं होगा ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा सिर्फ लिखाएगा ई बी आई टी टू ईबीआईटी इसका मतलब है हर एक EBIT, दुनिया का हर एक ई बी आई टी ईच एंड एवरी ई बी आई टी इन डिफरेंस पॉइंट है यानी सारे के सारे ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट है और अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुए एक दूसरे के बराबर नहीं एक तरफ फिफ्टी थाउजेंट आ रहा है एक तरफ सिक्सेंट आ रहा है तो फिर सिचुएशन वाली होगी तब हमारे पास होगा कि कोई भी इनडिफरेंस पॉइंट नहीं है देयर इज नो इनडिफरेंस या तो सारे ई बी आई टी एक बराबर हो जाएंगे या फिर कोई भी ई बी आई टी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो अगर इक्वल आ गया तो सारे के सारे ईबीआईटी इनडिफरेंस पॉइंट हो जाएंगे और अगर इक्वल नहीं हुआ तो कोई भी इनडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा अगर कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आया कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आया तो एल और आर में जो भी सस्ता होगा इन दोनों में से जो भी लो फिक्स्ड कॉस्ट का होगा जिसकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी यानी जिसका इंटरेस्ट डिविडेंड कम होगा वो प्लान हमेशा डोमिनेट करेगा अब देखिए हमने ऊपर इंडिफरेंस पॉइंट का चार्ट बनाया था अब मैं आपको बताता हूं इक्वल नंबर ऑफ शेयर में कैसा दिखता है वैसे हमारे पास प्लान क्या होते थे नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास इंडिफरेंस पॉइंट ऐसे दिखता है एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे ठीक है जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ शेयर एक बराबर हो जाते हैं तो हमारे पास एक ही लाइन होती है यही प्लान वन है और यही प्लान टू भी है इसको कहते हैं ओवरलैपिंग यानी दोनों एक ही साथ चल रहे हैं एक ही लाइन पर चल रहे हैं तो सारे के स... ये हर जगह पे एक बराबर ही रहेंगे कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट अलग से नहीं है सारी ई बी आई टी इन पॉइंट है और अगर ये वाली सिचुएशन है ये वाली सिचुएशन तो आपके पास ऐसे लाइनें दिखेंगी एक लाइन ऐसे जा रही होगी और दूसरी ऐसे ये पैरेलल लाइंस चलेंगी हमेशा वो प्लान ऊपर रहेगा जिसमें लो कॉस्ट होगी और जो हाई कॉस्ट वाला प्लान होगा वो हमेशा नीचे रहेगा तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन सा प्लान दूसरे प्लान को डोमिनेट करेगा ये यहां पर सिचुएशन होती है तो जो लो कॉस्ट वाला प्लान है वो हाई कॉस्ट वाले को पूरी जिंदगी हर ईबीआईटी पर डोमिनेट करेगा आ जाइए एक बार देखते हैं इन डिफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ शेयर सिचुएशन वन नो ईबीआईटी विल प्रोवाइड सेम ईपीएस देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट प्लान विद लोअर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट विल डोमिनेट तो इसका मतलब ये कौन सा वाला है जिसमें एल एच एस और आरएचएस एक दूसरे से नहीं मिले यानी इक्वेशन सोल्व ही नहीं हो पाई यह सिर्फ कब होगा इक्वल नंबर ऑफ शेयर वाले क्वेश्चन में बाकी कहीं नहीं तो कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट नहीं होगा और लो फिक्स कॉस्ट वाला डोमिनेट करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन टू है जिसमें एल एच एस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ठीक है यहां पर देखिए कैसे चल रहा है एक लाइन ऐसे चल रही है दूसरी ऐसे पैरेलल लाइन है यह हमारे पास सिचुएशन है ओके दूसरा है ओवरलैपिंग वाला आएगा भी सिंगल लाइन फॉर बोथ प्लान दोनों प्लान एक ही लाइन पर दिख रहे हैं आपको इसमें क्या होगा ईच एंड एवरी ईबीआईटी विल प्रोवाइड सेम ईपीएस अंडर बोथ प्लान्स आपके पास हर ईबीआईटी इन पॉइंट है कोई भी प्लान एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगा बिल्कुल साथ साथ चलते रहेंगे ओके okay. अब हमारे पास जरा देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दस नंबर में आता है बीबी सेवन स्टडी मॉड्यूल में भी है एग्जाम में भी बैक टू बैक आता रहता है गणपति लिमिटेड इज कंसीडरिंग थ्री फाइनेंसिंग प्लान द की इंफॉर्मेशन इज एट गिवेन ब्लो पॉइंट नंबर ए टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रे टू लैख फाइनेंसिंग प्रपोर्शन ऑफ प्लान ये दिया हुआ है एबीसी का तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो टू लैख है ओके अजय देखिए प्लान ए बी सी प्लान ए कहता है सारा पैसा इक्विटी से मंगवा लो पूरे दो लाख रुपए से दूसरा प्लान कहता है वन लैख यहां से मंगवाओ और वन लैख डेट से तीसरा प्लान कह रहा है वन लैक यहां से मंगवाओ और वन लैक प्रीफरेंस से फिफ्टी फिफ्टी कर दो ऐसे ओके डेट का जो रेट है वो एट परसेंट है प्रीफरेंस शेयर का रेट भी एट परसेंट है टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू दस रुपए है और हम इसको इशू करेंगे प्रीमियम पर दस रुपए की यानी इसका इशू प्राइस बीस रुपए होगा तो जैसे टू लैख शेयर्स हैं वो टू लैख रुपीज चाहिए तो आपके पास टू लैख डिवाइड बाई ट्वेंटी टेन थाउजेंड शेयर इशू होंगे और अगर वन लैख रुपीज चाहिए तो आपके पास फाइव थाउजेंड शेयर इशू होंगे ओके ईबीआईटी एक्सपेक्टेड है एटी थाउजेंड सबसे पहले ईपीएस मांग रहे हैं तो सिंपल है एटी थाउजेंड रखो इंटरेस्ट माइनस करो टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करो यहां टेन थाउजेंड यहां फाइव फाइव आपके पास ईपीएस आ जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो कुछ नहीं करना सिंपल लगाना है फाइनेंशियल बीपी पहले वाले प्लान में ना ना इंटरेस्ट है है तो जीरो हो गया दूसरे वाले प्लान में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आ गया एट थाउजेंड तीसरे प्लान में प्रीफरेंस डिविडेंट है तो प्रीफरेंस डिविडेंट डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स यहां पर सिक्सटीन आ गया ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया फिर तीसरा पॉइंट इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लानी रेंज अम प्लान और क्या कोई प्लान एक दूसरे को डोमिनेट भी कर रहा है तो इंडिफ्रेंस पॉइंट सिर्फ दो प्लान के बीच में निकल सकता है यहां पर तो तीन प्लान है तो हम क्या करेंगे इंडिफ़रेंस पॉइंट निकालेंगे ए और बी के बीच में फिर निकालेंगे ए और सी के बीच में फिर निकालेंगे बी और सी के बीच में इस तरह से हम तीन पार्ट में इसको तोड़कर निकालेंगे तो हमने पहले निकाला ए और बी में पॉइंट आ गया फिर निकाला ए और सी में पॉइंटिफरेंस पॉइंट आ गया फिर बी और सी में निकाला तो हमारा इनडिफरेंस पॉइंट कुछ भी नहीं आया ऐसा क्यों भाई क्योंकि बी और सी में अगर आप जाकर देखेंगे तो बी और सी में नंबर ऑफ शेयर सेम है तो अगर नंबर ऑफ शेयर सेम होते हैं तो या तो बराबर हो जाते या फिर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं अब इसमें बताना है कौन सा प्लान डोमिनेट करेगा बहुत सिंपल है बताइए यहां पर खर्चा कितना है फोर थाउजेंड यहां पर खर्चा कितना है एट थाउजेंड तो ये हाई कॉस्ट वाला है ये लो कॉस्ट वाला है तो प्लान बी जीत जाएगा तो बी डोमिनेट करेगा सी को ओके इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बी का कितना है एट थाउजेंड सी का कितना है सिक्सटीन थाउजेंड तो यहां लो कॉस्ट है यहां हाई कॉस्ट है जिसकी कॉस्ट कम होगी वो विनिंग रहेगा तो आपका बी जीत जाएगा बी डोमिनेट करेगा सी को ओके लास्ट बीबीक्यू हमारा बीबीक्यू क्यू एट अच्छा और एक इसके बाद एक और रखा हुआ है ठीक है बीबीक्यू एट ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल इसमें उल्टी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करा जाएगा इनडिफरेंस पॉइंट बता दिया जाएगा और कुछ रिक्वायरमेंट आपसे मांग ली जाएगी ओके जाइलो लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव प्लान्स प्लान ए और प्लान बी इक्विटी शेयर दे दिए ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर दे दिए प्रीफरेंस शेयर दे दिए इनके आगे का रेट गायब कर दिया यही पूछेंगे आपसे ये कह रहे हैं फोर लैक एटी थाउजेंड है इन्होंने इनडिफरेंस पॉइंट आपको बता दिया टैक्स रेट थर्टी परसेंट है और प्रीफरेंस शेयर का रेट गायब कर दिया आपसे कह रहे हैं आपको प्रीफरेंस शेयर का रेट निकालना है तो बड़ा सिंपल है इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला रखिए इंडिफरेंस पॉइंट में आप सब कुछ लिख देंगे सिवाय किस चीज के प्रीफरेंस डिविडेंड के आपका प्रीफरेंस डिविडेंड निकल आएगा थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड हमारा आ गया क्वेश्चन ने हमसे पूछा है रेट यानी परसेंटेज तो बड़ा सिंपल थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड का डिविडेंड है फोर लैख की प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पर यानी एट पॉइंट फोर परसेंट आपका रेट निकलकर आ जाएगा ओके okay. इसके बाद में एक क्वेश्चन है बीवी क्यू नाइन बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये आता रहता है दस नंबर में आता है ये क्लैरिकल क्वेश्चन है पूरी तरीके से इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है क्लैरिकल है स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट इट इज कंसिडरिंग थ्री फाइनेंसिंग प्लान प्लान ए प्लान बी प्लान सी प्लान वन क्या है जी हम वन लैख के इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं अच्छा दूसरा प्लान हम फिफ्टी थाउजेंड के शेयर इशू कर देते हैं और फाइव थाउजेंड डिवेंचर सौ रुपए के हिसाब से इशू कर देते हैं अच्छा तीसरा प्लान क्या है हम फिफ्टी थाउजेंड शेयर इशू कर देते हैं दस रुपए वाले और फाइव थाउजेंड प्रीफरेंस शेयर इशू कर देते हैं तो तीन प्लान हो गए पहला सिर्फ इक्विटी से पैसा दूसरा इक्विटी और डेट से पैसा तीसरा इक्विटी और प्रीफरेंस से पैसा फिर कहता है आर एम स्टील लिमिटेड ई बी आई टी आर ट्वेंटी फोर्टी एटी वन ट्वेंटी टू लैख और टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट कह रहे हैं अगर आर एम लिमिटेड का ई बी आई टी ट्वेंटी थाउजेंड हो तो फोर्टी हो तो एटी हो तो वन ट्वेंटी हो तो टू लैख हो तो अरे भाई एक ही तो दोगे। बोले नहीं हम पांच दे रहे हैं तो क्लैरिकल बना देते हैं इसको यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ईपीएस अंडर ईच ऑफ द थ्री प्लान आपको तीनों प्लान के अंदर ईपीएस निकालना है विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर आर एम स्टील लिमिटेड एंड वाई और आप कौन सा ऑल्टरनेटिव बताते हैं वो बताना है तो भैया जो तीनों प्लान के अंदर हमें ईपीएस निकालना है हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा सबसे पहले इक्विटी से अगर पैसा मंगवाएं तो ईपीएस कितना आएगा तो हम सारी ई बी आई टी रख लेंगे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं कोई प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं ईपीएस निकल आएगा फिर हम इक्विटी और डेट के मिक्स के अंदर निकालेंगे ईबीआईटी रख लेंगे अलग अलग ट्वेंटी फोर्टी एन ट्वेंटी टू लैक इंटरेस्ट माइनस करेंगे टैक्स माइनस करेंगे इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे ईपीएस आ जाएगा फिर तीसरा प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी का मिक्स ले लेंगे उसमें भी ईबीटी ईबीआईटी लेंगे अलग अलग सारे इंटरेस्ट होगा नहीं टैक्स माइनस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे और ईपीएस निकाल देंगे ओके अब हमारे पास ये देखिए इसमें बच्चा कहां कंफ्यूज हो सकता है जैसे ये ईबीटी नेगेटिव आ गया तो हम क्या करें अगर देखिए पॉजिटिव ईबीटी आएगा तो टैक्स माइनस करोगे बीस हजार माइनस करोगे अगर नेगेटिव ईबीटी आए तो आप टैक्स को प्लस कर लोगे रिवर्स करना है इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग तो हमारे पास हम इन केस में टैक्स सेविंग दिखा देंगे अगर लॉस होगा तो अगर प्रॉफिट है तो टैक्स माइनस करके दिखाना है लॉस है तो टैक्स को पॉजिटिव करके दिखा देना है ईबीआईटी ईपीएस चैप्टर के अंदर कैपिटल बेस्टिंग में रूल्स अलग है ओके इसके बाद में हमारे पास सेम चीज यहां पर प्रिफरेंस शेयर्स वाले में आपके पास जरा देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया दस हजार फिर प्रीफरेंस है 40,000. तो आपके वो इसका इफेक्ट यहीं आपसे दिखवा देंगे तो हमें क्या करना है प्रीफरेंस डिविडेंड की जो भी पेमेंट होनी है हमें ये मानना है वो इक्विटी पे बर्डन है और हम यहीं पर उसको माइनस करके दिखा देंगे और दिखाएंगे कि इक्विटी अब लॉस में चला गया तो आपको यह दिमाग नहीं लगाना कि अगर हमारी कमाई टेन थाउजेंड है और प्रीफरेंस डिटी है वैसे नॉर्मल रूल क्या होता है कि अगर आपकी कमाई टेन थाउजेंड है यानी प्रॉफिट नहीं नहीं है तो ऐसे में डिविडेंड दिया जाता यहां पर आपको क्या करना है हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करना है कि आखिर हम कौन से फाइनेंसिंग प्लान को चूज करें तो उसे चूज करते समय हम प्रीफरेंस शेयर के डिविडेंड को फॉरवर्ड करके कि भाई हम फ्यूचर में दे देंगे ऐसे नहीं दिखा सकते हमें उसके रिजल्ट चाहिए भाई एक बात बताओ आज चालीस हजार नहीं दोगे अगर इस साल तो अगले साल अस्सी हजार रुपए दोगेटिव हो जाएगा ना इस साल फोर्टी नहीं दिए तो अगले साल एटी दोगे तो ये कहते हैं कि हमें इफेक्ट दिखाओ फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ेगा तो हम यहां पर अगर हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है तो भी प्रीफरेंस डिविडेंड दिखा देंगे और दिखा देंगे कि हमारे इक्विटी को नुकसान हो रहा है अगर हम प्रीफरेंस डिविडेंड से प्रीफरेंस शेयर से पैसा मंगवाते हैं तो ये तीनों प्लान इस तरीके से आपको करने होते हैं उसके बाद में जरा देखिए क्या चलेगा अब हमें तीनों प्लान में इन्होंने एक तो कहा था कि ईपीएस निकालो दस नंबर में आता है बढ़िया क्वेश्चन है ईपीएस निकालो फिर इन्होंने कहा था कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आप रिकमेंड करोगे तो इसमें रिकमेंडेशन बड़ी सिंपल तरीके से देखी जाती है देखिए डेट में यहां पर नुकसान है यहां जीरो है प्रीफरेंस में यहां नुकसान है यहां नुकसान है यहां जीरो है ओके तो प्रीफरेंस यहां तक तो कंसिडर नहीं होगा डेट यहां तक कंसिडर नहीं होगा अब आ जाते हैं ऊपर इक्विटी देखिए 20,000 के ईबीआईटी पर प्रॉफिट में 40 के ईबीआईटी पर भी प्रॉफिट में 80,000 के ईबीआईटी पर 40 पैसे कमा रहा है ये भी 40 पैसे कमा रहा है यानी इक्विटी और इक्विटी डेट मिक्स वाला बराबर हो गए तो अब जरा देखिए 80,000 से अगर आपकी कमाई कम हो जैसे 40 20, तो कौन सा प्लान लीजिए इक्विटी e क्योंकि वो ज़्यादा कमा कर दे रहे तो अगर आपकी कमाई 80 से कम है तो इक्विटी e पे है तो अगर आपकी कमाई 80,000 तो e में से कुछ भी ले लो ठीक है अब अगर हमारी कमाई एटी से ज्यादा हो रही है तो देखते हैं ये सिक्सटी पैसे कमा रहे वन है सिक्स तो ज्यादा तो यह कमा रहा है अच्छा प्रिफरेंस देखते हैं ये एटी पैसे कमा रहा है ये फोर्टी पैसे ये कमा रहा है ये तो इसका मतलब तीनों में सबसे ज्यादा डेट प्लेन कमा रहा है कब अगर कमाई एटी थाउजेंड से ज्यादा है तो, तो सिंपली यहां लिख देंगे अगर कमाई एटी से ज्यादा है तो डेट इक्विटी वाले को फॉलो करिए तो अगर आपकी कमाई एटी से कम है तो इक्विटी ऑप्शन ऑल्टरनेटिव वन अगर आपकी कमाई एटी है तो ऑल्टरनेटिव वन और टू बराबर हो जाएंगे और अगर आपकी कमाई 80 से ज्यादा है तो ऑल्टरनेटिव टू आपका बेस्ट रहेगा ये हमारे पास खत्म हो गया हर चैप्टर के, के अंदर आपको मिलेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट तो आपको एग्जाम में बस सिंपली ये कंसेप्ट देख के जाना है और ये जो क्वेश्चन मैंने दिए बीवी -बी क्यूब इनके बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा ये कंफर्म है इन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है प्रिंट आउट निकलवा लेना आप लोग और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आप लोग एग्जाम में इसी बुकलेट को हाथ में लेके जाएंगे इसी से आपको पेपर देना है आपका काम हो जाएगा रिवीजन के लिए बूस्टर बेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं है हर चैप्टर के एंड में मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स का कॉलम और दे दिया है हर चैप्टर के एंड में एक पेज खाली छोड़ा है इंपॉर्टेंट नोट कोई भी और आपको बात इंपॉर्टेंट लगती है तो आप यहां पर उसको मैंशन कर सकते हैं यहां पर हमारा ईबीआईटी ईपीएस खत्म अब आप लोग लाइव चैट में डाउट पूछ सकते हैं जी बताइए किसी को कोई डाउट कार्तिक कह रहे हैं एग्जाम से पहले बस यही करना है बस मोर देन सफिशियंट है प्लस जो लेटेस्ट वो और एम टीपी आरटीपी जो लेटेस्ट वाली है और MTP जो लेटेस्ट वाला वो जैसी बूस्टर बैच खत्म होगा मैं उसके बाद करवाऊंगा आप लोगों को पीडीएफ आ जाएगा एक दो दिन में ओके okay. क्या किसी को भी कोई दिक्कत हम पूरा बूस्टर बैच ऐसे ही चलाएंगे और हम चैट का रिप्लाई पूरी सेशन में नहीं देंगे मतलब जब सेशन चल रहा है लेक्चर चल रहा है तो चैट का रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि उससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उनकी पढ़ाई खराब होती है अच्छा जो हमारी जो स्पीड रहेगी वो स्पीड भी यही रहेगी ना इससे तेज ना इससे धीमा लेटेस्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं सर आप जो सम लिखवा रहे हैं वो हमें साथ में लिखने भी हैं क्या आप लिख के कर सकते हो अगर टाइम है तो लिख के कर दो अदरवाइज कैलकुलेटर पर कर लो जो अच्छे सम लगे बड़े हर चैप्टर से दो या तीन सम बड़े वो लिख कर कर लेना हर चैप्टर से दो या तीन लिख कर कर लेना बाकी कैलकुलेटर पर कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद में बच्चे कह रहे हैं दिस इज दिस इज बस यही बुक लेट इज दिस सर अगर किसी चैप्टर के रेगुलर लेक्चर नहीं देखे हों सीधा यहां से हो तो काम हो जाए देखो डिपेंड करेगा लेक्चर कौन सा है अब मान लो कैपिटल बस्टिंग ही नहीं देखा और आप सोचो यहां से सीख जाओगे तो वो आसान नहीं है जी, वसीम कह रहे हैं कि सर आपने तो सारे ही डाउट क्लियर कर दिए हैं ओके एक वरीजा पूछ रही है कि सर लॉस के केस में टैक्स ऐड क्यों किया ईबीआईटी ईपीएस में बस आप ये ध्यान रखो कि अगर इनकम है प्रॉफिट है तो टैक्स जेब से जाएगा और अगर लॉस है तो टैक्स का फायदा होगा टैक्स सेविंग होगी तो पॉजिटिव कर देना है वो ईबीआईटी ईपीएस में होता है कैपिटल बजटिंग में ऐसा नहीं करते हाँ जी सुबहम कह रहे हैं आप पढ़ाते ही इतना बढ़िया है कि डाउट आ ही नहीं सकते ओके 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 स्वीटी कह रही है कि सर सुबह की जगह आफ्टरनून में ले लो क्लास बेटा आफ्टरनून में, में मेरी फेस टू फेस क्लास होती है तो वो पॉसिबल नहीं है ओके यहां तक का काम खत्म ओके सर मैं आपका फास्ट ट्रैक स्टूडेंट हूं तो एग्जाम टाइम में हमें फास्ट ट्रैक बुक से लेना है बूस्टर बूस्टर बैच का प्रिंट आउट निकलवा लो ये बेस्ट है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके फास्ट ट्रैक बैच के एंड में भी वैसे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी कर सकते हो पर बूस्टर बैच बेटर है इसमें सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने डाल दिए कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके की जी यहां तक सभी को क्लियर है ओके देखिए मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं इससे इससे बेटर आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता मतलब इसके बाहर से नहीं आएगा इसके बाहर से नहीं आएगा सब कुछ जो भी आएगा वो यहीं से आएगा आप ऐसे कर सकते हैं सिक्सटी मार्क्स एफ के और इको के चालीस मार्क्स पूरे बूस्टर में ऐसे ही तैयार करवाए जाएंगे ओके अब देखिए एक घंटा उनतीस मिनट हो गए सेशन को रेगुलर अगला सेशन भी करीब डेढ़ घंटे के आसपास का है अगर अभी कंटिन्यू करूंगा तो उसमें लास्ट तक टूट जाओगे तो 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद में लेट्स नेक्स्ट सेशन हम लोग चालू कर देंगे ये देखिएगा नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा लीवरेज चैप्टर इसमें हम लोग अभी हो रहे हैं 654 फिफ्टी फोर ट्वेंटी का ब्रेक और 54 में 20 जोडूं तो कैसे जोडूं तो 714 714 पे पर लीवरेज स्टार्ट करेंगे डेढ़ घंटे के आसपास का रहेगा नौ बजे से पहले खत्म हो जाएगा दो चैप्टर ये आज करेंगे आज अगर हम बारह बजे से कर लेते हैं आज अगर बारह बजे से तो हम कम से कम चार चैप्टर आराम से निपटा सकते थे पर कोई बात नहीं हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक एफ का रिवीजन और कॉस्टिंग का दोनों का रिवीजन निपट जाए बाकी ये वीडियो यूट्यूब पर रहेंगी मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा इनको आपके जो भी फ्रेंड हैं जो दोस्त हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि भाई यहां से देख लो और उनको नोट शेयर कर सकते हो ओके क्लियर है तो यहां से हम लोग ले रहे हैं ब्रेक और आपके पास 714 पर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे हेलो 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 देखिएगा यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीवरेज ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्योंकि एग्जाम में हर अटैम्प्ट के अंदर आपको ये मिलता ही मिलता है इसका क्वेश्चन फाइव मार्क्स में आ सकता है या टेन मार्क्स में बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो हमने यहाँ पर बी बी क्यू दिए हुए हैं उनके बाहर से क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं आएगा ये कन्फर्म है आराम से देखते हैं आखिर लीवरेज का मतलब क्या है देखिए लीवरेज बेसिकली एक टेक्निक है जो कंपनी के ऊपर किसी बिजनेस के ऊपर जो रिस्क होता है उसको इवेल्युएट करती है लीवरेज यहां पर जो लीवरेज का नॉर्मल टर्म होता है वैसे लीवरेज का नॉर्मल टर्म होता है कि, कि किसी चीज पर कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है किसी दूसरी चीज के चेंज होने से यानी कि अगर एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई तो एक्स में कोई भी चेंज आने से कितना इफेक्ट पड़ेगा y के ऊपर लीवरेज इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा बेसिकली जैसे आपकी सेल है तो सेल चेंज होने से आपके ए पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपके एबीटी बी टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा या आपके ई पी एस पर क्या फर्क पड़ेगा ये सारी चीज़ें हमें देखनी है रिस्क का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ रिस्क का मतलब होगा आपके पास कि भाई मान लो सेल में थोड़ा सा चेंज हुआ और उसका इफेक्ट ई पे बहुत ज़्यादा आ गया जैसे सेल में टेन रिडक्शन आ गई कोविड के टाइम में तो हंड्रेड सेल गिर गई थी तो ई कितना रिड्यूस होगा तो सेल के चेंज होने से अगर ई भी टेन ही चेंज हो तो कोई रिस्क ही नहीं है अच्छा अगर 20% परसेंट चेंज हो तो इसका मतलब दुगना इन्फ्लुएंस है तो लीवरेज टू टाइम्स आ जाएगी अगर 30 परसेंट चेंज हो तो थ्री टाइम्स आ जाएगी जितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जितना सेल के चेंज होने से ईपीएस चेंज होगा उतना ज़्यादा आपकी लीवरेज आती चली जाएगी तो ये अलग अलग लीवरेज निकालेंगे हम लोग यहाँ पर हम सेल से ई पे क्या फ़र्क पड़ेगा सेल से ई पे क्या फ़र्क पड़ेगा या ई से ई पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं जितना ज़्यादा दूसरी चीज़ इन्फ्लुएंस हो रही है रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा जैसे मान लीजिए 50 परसेंट चेंज हो रहा है 10 परसेंट से तो लीवरेज फाइव टाइम्स हो गई रिस्क इसका मतलब फाइव टाइम्स हो गया ज्यादा रिस्क है हायर द लीवरेज हायर द रिस्क ये हमारे पास यहां पर रहने वाला है बहुत सिंपल बहुत बहुत ही simple chapter, बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल चैप्टर फॉर्मूले सिर्फ तीन लीवरेज हैं और तीन लीवरेज के ऊपर आपके एग्जाम में फाइव से लेकर टेन मार्क्स कंफर्म है और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं बीवी क्यू में से आने वाले हैं उसके बाहर से आपका कुछ भी यहां पर आने वाला नहीं है अब देखिए लीवरेज का मतलब लीवरेज रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस और पावर कि हम कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को या हमारे चेंज होने से दूसरे पर किस कितना इफेक्ट पड़ेगा अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करी जाए तो हमारे को तो मतलब है सेल से ईपीएस से ईबीआईटी से तो ये इन्हीं के बीच की रिलेशनशिप बताएंगे लीवरेज इज द टेक्निक विच इज यूज टू इवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लीवरेज इन जनरल रेफर टू रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स तो यहां पर दो ले लेंगे. को को क्या होगा? जैसे सेल को एक बना दिया Ebit को एक वेरिएबल बना दिया EPS को एक बना दिया. इनके बीच का लिंक हम लोगों को देखना है ध्यान रखिए अगर एक वेरिएबल में कुछ चेंज हुआ और उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में ज्यादा चेंजेज आ रहे हैं तो यहां पर रिस्क आपका एसोसिएट हो जाएगा ओके फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम लोगों को जो वेरिएबल देखने हैं वो देखने हैं जैसे कि सेल्स जैसे कि ई जैसे कि ई इन चीज़ों को लेकर हम लोग चलेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल बहुत ज़्यादा आसान आपके पास दो तरीके के रिस्क रहेंगे हमारे पास लीवरेज के अंदर एक रहेगा बिजनेस रिस्क और दूसरा रहेगा फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क का मतलब है जो हमारी बिजनेस के अंदर के खर्चे हैं क्या आप उनको निकाल पाएंगे या नहीं अगर निकाल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं निकाल पाएंगे तो दिक्कत है फाइनेंशियल रिस्क रहेगा क्या आप बिजनेस के फाइनेंशियल खर्चों को निकाल पाएंगे या नहीं फाइनेंशियल खर्चों में क्या आएगा प्रिफ्रेंस डिविडेंड और आपके पास डिवेंचर पे देने वाला इंटरेस्ट तो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कॉस्ट को देखिए हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट रहती है एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट तभी इनकर होती है जब सेल होगी जब एक्टिविटी होगी अगर सेल नहीं तो वेरिएबल खर्चा नहीं जैसे कि मैं आप लोगों को मान लीजिए एक पेन ड्राइव सेल करता हूँ या गूगल ड्राइव सेल करता हूँ जब सेल होगी तभी तो मैं आपको बुक्स पेन ड्राइव भेजूंगा तो बुक्स हैं पेन ड्राइव है वेरिएबल खर्चा है अगर सेल ही नहीं होगी तो बुक और पेन ड्राइव का खर्चा भी नहीं होगा तो कभी भी बिजनेस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट रिस्क नहीं होती तो वेरिएबल कॉस्ट कोई रिस्क नहीं है रिस्क है फिक्स्ड कॉस्ट अब जरा सोचिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वगैरह सेल करने का काम है उसके लिए स्टूडियो लिया हुआ है जिसका रेंट जा रहा है मैंने स्टाफ रखा हुआ है जिसको सैलरी दे रहा हूँ स्टाफ में कैमरामैन हो सकता है स्टाफ में एडिटर हो सकता है स्टाफ में सेल पर्सन हो सकते हैं ये सब स्टाफ की सैलरी जा रही है अब सोचिए पेन ड्राइव बिके या ना बिके गूगल ड्राइव बिके या ना बिके इन स्टाफ को तो मेरे को सैलरी देनी है तो मेरे ऊपर ये रिस्क है कि क्या मैं इन स्टाफ की सैलरी निकाल पाऊंगा मैं स्टूडियो का रेंट निकाल पाऊंगा तो फिक्स खर्चा रिस्की आइटम होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास रिस्की आइटम होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इनकर इवन इफ देयर इज नो एक्टिविटी कोई एक्टिविटी नहीं है तब भी खर्च होगी हमारे पास रिस्क क्या है रिस्क ऑफ चांसेज ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अगर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाई अगर मेरी इतनी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव नहीं बिकी जिससे मेरे फिक्स्ड खर्चे निकल जाएं, तो फिर मेरे ऊपर बर्डन क्रिएट हो जाएगा ओके ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में आती है बिजनेस से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट सैलरी ये सारी चीजें फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में मेरे पास आते हैं दो आइटम एक तो इंटरेस्ट का खर्चा और दूसरा प्रीफरेंस डिविडेंड का खर्चा तो इंटरेस्ट और प्रीफरेंस डिविडेंड दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा ये फाइनेंशियल रिस्क है रेंट सैलरी दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा ये ऑपरेटिंग रिस्क है और इन दोनों रिस्क को जोड़ दें तो वो हमारे पास हो जाता है कंबाइंड रिस्क तो हमारे पास तीन रिस्क रहेंगे एक ऑपरेटिंग रिस्क के बिजनेस के फिक्स खर्चे रेंट सैलरी वगैरह निकलेगी या नहीं दूसरा रहेगा फाइनेंशियल रिस्क कि बिजनेस के अंदर जो सोर्सेज फाइनेंस से पैसा मंगवाया है उनको मैं इंटरेस्ट डिविडेंड दे पाऊंगा या नहीं फिक्स वाला प्रीफ्रेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे बिजनेस में कंबाइंड रिस्क रहेगा इसी को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन लीवरेज हैं इसी को मेजर करने के लिए मेरे पास तीन लीवरेज हैं पहली लीवरेज है मेरे पास ऑपरेटिंग लीवरेज दूसरी है फाइनेंशियल लीवरेज तीसरी है कंबाइंड लीवरेज तो मेरे पास तीन तरीके के रिस्क हैं ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड उनको मेजर करने के लिए तीन लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज ओके अब हमारे पास जरा देखिए लीवरेज को अगर हम आराम से समझें हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट रहेगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे एक ध्यान रखिए ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग रिस्क हो गया इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ई फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है फिर हमारे पास आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स फिर टैक्स देते हैं फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद फिर आता है प्रीफ्रेंस डिविडेंड ये भी फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है फिर अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर ईपीएस आ जाता है तो हमारे पास एक तो बिजनेस के खर्चे जो हैं फिक्सड कॉस्ट वो ऑपरेटिंग रिस्क को रिप्रेजेंट करेगा इंटरेस्ट और प्रिफ्रेंस डिविडेंड फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों के आ, रिस्क को मेजर करना है हमें वो हमारी लीवरेज टेक्निक बन जाएगी ठीक है हमारे पास लीवरेज के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर लीवरेज रिलेशनशिप किस किस की दिखाती है तो लीवरेज जो रिलेशनशिप दिखाएगी सेल से रिलेशनशिप दिखाएगी ईबीआईटी की तो सेल्स से ईबीआईटी की रिलेशनशिप ऑपरेटिंग लीवरेज कवर करेगी फिर ईबीआईटी से ईपीएस तक की रिलेशनशिप फाइनेंशियल लीवरेज कवर करेगी तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज ये फाइनेंशियल लीवरेज और सेल से अगर मुझे सीधे ई का रिलेशनशिप निकालना है तो ये कंबाइंड रिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कंबाइंड लीवरेज आएगी तो हम लोग जो इन्फ्लुएंस देखेंगे वो देखेंगे सेल के चेंज होने से ई में कितने चेंजेज आएंगे ये ऑपरेटिंग लीवरेज बताएगी ई में चेंज होने से ई में कितने चेंज आएंगे ये फाइनेंशियल लीवरेज बताएगी और सेल में चेंज होने से ई में क्या फर्क पड़ेगा ये कंबाइंड लीवरेज आपको बताकर चलेगी बहुत ही सिंपल है निकालना बहुत ज्यादा आसान बहुत सिंपल चैप्टर है टाइप्स ऑफ लीवरेज तीन लीवरेज है हमारे पास ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड ऑपरेटिंग लीवरेज सेल से ई को रिलेट करेगी फाइनेंशियल ईबीआईटी से ईपीएस को और कंबाइंड में सेल सीधे ही ईपीएस से रिलेट हो जाएगी ओके okay. हमारे पास जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क को कैलकुलेट करेगी फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करेगी और कंबाइंड पूरे रिस्क को कैलकुलेट कर लेगी ठीक है जितनी ज्यादा आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज होगी उतना ही ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगा जितनी ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होगी उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क होगा और जितनी ज्यादा कंबाइंड लीवरेज होगी उतना ही ज्यादा आपके पास कंबाइंड रिस्क रहेगा सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीव फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात भी करेंगे पहला फॉर्मूला है हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी फॉर्मूला बड़ा सिंपल बनाया गया है देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद में आती है फिक्स्ड कॉस्ट फिर आता है ई बी आई टी ये हमारे पास सीक्वेंस है ये आ जाइए देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी तो ई बी आई टी आ गया तो कॉन्ट्रीब्यूशन और ई का अगर हम फॉर्मूला बना दें तो हमारे पास इन्फ्लुएंस निकल आएगा क्योंकि बीच में फिक्स कॉस्ट है जो फिक्स रहती है तो मैथमेटिकली सिंपल तरीके से फॉर्मूला बिल्कुल बनाया गया है इसमें हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट हटा दिया आपने तो वो आ जाएगा ई बी आई टी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड ईबीआईटी हमारे पास है सबसे सिंपल फॉर्मूला दूसरा आप फॉर्मूला बना सकते हैं इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस किस किस का पड़ेगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज इन्फ्लुएंस किस किस का दिखाती है रिलेशनशिप दिखाती है सेल से ईबीआईटी का रिलेशनशिप तो हम देखेंगे ईबीआईटी पर कितना फर्क पड़ा ड्यू टू चेंज इन सेल्स तो ऊपर रखेंगे चेंज इन ईबीआईटी नीचे रखेंगे चेंज इन सेल्स मान लो सेल चेंज हुई टेन परसेंट और ईबीआईटी चेंज हो गया फोर्टी परसेंट तो सेल में टेन परसेंट चेंज होने से ईबीआईटी पे फोर्टी परसेंट फर्क पड़ा है तो लीवरेज फोर है और ये सेल और ईबीआईटी का रिलेशनशिप है तो कौन सी लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज ओके ये हमारे पास दो मेजर फॉर्मूले रहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी और चेंज इन ईबीआईटी चेंज इन सेल्स हमारे पास कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाई फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज इन दोनों का प्रोडक्ट है ओके okay. तो अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है तो आप फाइनेंशियल लीवरेज को डिवाइड कर दीजिए में। अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है तो आप ऑपरेटिंग लीवरेज को डिनोमिनेटर में ले लीजिए कंबाइंड लीवरेज के आंसर आ जाएगा इसी के बेसिस पे बना हुआ है तीसरा फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाई फाइनेंशियल लीवरेज ये तीन मेजर फॉर्मूले हैं ईसीआई ने तीन अटेम्प्ट से एक नया फॉर्मूला इसमें इंट्रोड्यूस किया है। पहले इसको, इसको इस्तेमाल नहीं करते थे अब ये नया फॉर्मूला एक और इस्तेमाल करते हैं वन डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स प्रपोर्शन जैसे मान लीजिए आपकी सेल है उसका सिक्सटी परसेंट हिस्सा है बीपी और फोर्टी परसेंट हिस्सा है एमओ एस तो ये जो सिक्सटी परसेंट हिस्सा है ये तो फिक्स्ड कॉस्ट को निकालेगा बीपी तक फिक्स्ड कॉस्ट निकलती है उसके बाद एमओ है जो आपको प्रॉफिट देता है तो एमओ ही है जो ई देगा और जो बी है वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करेगा तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इसका बना दिया वन डिवाइडेड बाई प्रपोर्शन ऑफ एमओस तो एमओ का प्रिपोर्शन कितना है फोर्टी परसेंट तो वन डिवाइडेड बाई फोर्टी परसेंट या वन डिवाइडेड बाई पॉइंट फोर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट फाइव यह हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगी ये बहुत सिंपल है बहुत आसान मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ जैसे मान लीजिए हमारी सेल है टेन लैख रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है हमारी फोर लैख कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया सिक्स लैख और पी वी रेशो हमारा हो गया सिक्सटी परसेंट ओके अब हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मान लीजिए सेल को मैंने सिक्सटी परसेंट छः लाख रुपये चाहिए छः लाख रुपये दिस इज दिस, दिस छः लाख रुपये डिवाइड बाई सिक्सटी परसेंट तो आ जाएगा टेन परसेंट मैं कुछ ही ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट ले लेता हूँ मान लो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट ले ली वन पॉइंट टू लैख और मेरे पास आ गया फोर पॉइंट एट लैख का ई बी आई टी अब जरा देखिए यहां पर क्या सिचुएशन आएगी पी वी रेशो है मेरा सिक्सटी परसेंट फिक्स कॉस्ट करूंगा तो बी पी आ जाएगा वन पॉइंट टू डिवाइड बाई सिक्सटी परसेंट टू लैख आ गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तो सेल का सेल का ट्वेंटी परसेंट हिस्सा बी पी हो गया और सेल का एटी परसेंट हिस्सा एम ओ एस हो गया ओके okay. अब मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है तो वन डिवाइड बाई पॉइंट एट या एटी परसेंट कर लीजिए वन डिवाइड बाई पॉइंट एट या आ गया वन पॉइंट टू फाइव ये ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई अच्छा अगर आप सीधे फॉर्मूले से जाते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी तो करके देख लीजिए सिक्स लेख डिवाइड बाई फोर पॉइंट एट लैक तो भी आपका आंसर वन पॉइंट टू फाइव ही आएगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज में हम कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ई बी आई टी भी रख सकते हैं और वन डिवाइड बाई एमओ प्रपोर्शन ऑफ सेल्स भी रख सकते हैं ये हमारे पास चार फॉर्मूले ऑपरेटिंग लीवरेज के तैयार है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी चेंज इन ई बी आई टी ड्यू टू चेंज इन सेल्स तीसरा है कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई फाइनेंशियल लीवरेज और फोर्थ है वन डिवाइड बाई एमओ परपोर्शन टू सेल यही चारों फॉर्मूले आपका काम करेंगे ओके अब नोट्स ऑपरेटिंग लीवरेज कभी भी जीरो या वन के बीच में नहीं हो सकती वो अभी हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे दूसरा अगर फिक्स्ड कॉस्ट हायर है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा होगा और ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज़्यादा होगी और ऑपरेटिंग रिस्क भी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट है तो ज़्यादा लीवरेज होगी ज़्यादा रिस्क होगा अगर कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं तो फिर आपकी लीवरेज वन रहेगी और ऑपरेटिंग रिस्क ज़ीरो होगा ऐसी सिचुएशन में अगर सेल एक परसेंट चेंज होगी तो ई बी आई टी भी वन परसेंट ही चेंज होगा इसके ऊपर कोई अदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा एमओ okay. एस का प्रपोर्शन जितना ज्यादा होगा ऑपरेटिंग लीवरेज उतनी ही कम और रिस्क भी उतना ही कम होगा ठीक है सीधी सी बात बीपी ज्यादा है या फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है और अगर एमओएस ज्यादा है तो फिर आपका रिस्क कम है इसके बाद लीवरेज लिंक करेगी ईबीआईटी को ईपीएस तक ई बी आई टी को ईपीएस तक इसके हमारे पास तीन फॉर्मुले इसमें चार फॉर्मुले नहीं है इसमें तीन ही है एमओएस वाला सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए हमारे पास पहला फॉर्मूला है ई डिवाइड बाई ई माइनस प्रीफ्रेंस डिविडेंड डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स ये किस तरह से है देखिए ऊपर है ई बी से बताइए आप लोग कैसे चलते हैं आगे इसमें पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर ई आ जाता है फिर टैक्स माइनस होता है फिर ई आ जाता है फिर प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस होता है तो बीच में टैक्स आ गया है हमें क्या करना है इंटरेस्ट और पी दोनों को ई बी में से हटाना है तो ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करूं तो हो जाएगा सीधा ये हो गया ईबीटी अब मैं इसमें से माइनस करूं प्रीफरेंस डिविडेंड तो प्रीफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स आइटम है उसे बनाना पड़ेगा बिफोर टैक्स तो हमारे पास ईबीआईटी डिवाइड EBT माइनस PD डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स इसका फॉर्मूला बन जाता है ओके पहला फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइड बाईटी माइनस पी डी वन माइनस टी अगर प्रीफरेंस शेयर्स ना हो तो ईबीआईटी डिवाइड बाईटी जनरली ईबीआईटी डिवाइड बाईटी आपको मिलेगा प्रीफ्रेंस डिविडेंड बहुत कम मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर दूसरा है रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप हमारे पास रहेगी ईबीआईटी से ईपीएस की तो हम देखेंगे ईपीएस पर कितना इंफ्लुएंस पड़ रहा है कितना इफेक्ट पड़ रहा है ड्यू टू ईबीआईटी के अंदर चेंज तो चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई चेंज इन ईबीआईटी और तीसरा वही कंबाइंड लीवरेज से जो बना था मैंने आपको बताया कंबाइंड लीवरेज है ओ एल इन टू एफ एल एफ एल निकालना है तो बताइए क्या करिए कंबाइंड लीवरेज को ओएल से डिवाइड कर दीजिए कंबाइंड लीवरेज लीवरेज डिवाइड ऑपरेटिंग तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं फाइनेंशियल लीवरेज के इसी के ऊपर चलेगा फिर से बता देता हूं पहला फॉर्मूला ए बी आई टी डिड बाईटी अगर प्रीफरेंस शेयर है तो ईबीटी में से माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई चेंज इन ईबीआईटी और तीसरा फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज ओके पॉइंट सारे वही हैं जीरो से वन के बीच में नहीं होगी अगर आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो आपका फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है और आपकी फाइनेंशियल लीवरेज भी ज्यादा ही होगी जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट वो क्या होगा यहां पर इंटरेस्ट और प्रीफरेंस डिविडेंट तो आप कह सकते हैं इंटरेस्ट और प्रीफरेंस डिविडेंट जितने ज्यादा होंगे आपके ऊपर फाइनेंशियल लीवरेज भी उतनी ज्यादा होगी दूसरा अगर कोई फाइनेंशियल फिक्सड कॉस्ट नहीं है अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियल लिवरेज आएगी वन ओके यानी कि ईबीआईटी अगर एक परसेंट चेंज होगा तो ईपीएस भी सिर्फ एक परसेंट ही चेंज होगा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा सीधा वन का मतलब वन अगर ईबीआईटी वन परसेंट चेंज होने से ईपीएस टू परसेंट चेंज हो रहा है तो लीवरेज है क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहा है एक परसेंट चेंज होने से दूसरे को दुगना इन्फ्लुएंस डाल रहा है और लेकिन अगर दोनों वन वन है तो कोई चेंज नहीं ऐसी सिचुएशन में में फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगी इसके बाद में हमारे पास है कंबाइंड कंबाइंड लीवरेज लीवरेज अपने आप में कोई लीवरेज नहीं है बेसिकली ये ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का प्रोडक्ट होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसका जो पहला फॉर्मूला है आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था ईबीआईटी डिवाइडेड बाईटी टैक्स कंबाइंड लीवरेज क्या करेगी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी माइनस पीडी डिवाइड बाई माइनस पीडी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स कैसे बेसिकली कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का प्रोडक्ट है तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी माइनस पीडी डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स अगर प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड हो जाएगा दूसरा मैंने आपको बताया ही है ये वाला ओएल इंटू एफ एल ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए कंबाइंड लीवरेज लिंक किसका बताएगी ऑपरेटिंग लीवरेज सेल से ईबीआईटी का लिंक बताती है फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी से ईपीएस का लिंक बताती है कंबाइंड लीवरेज सेल से सीधे ईपीएस का लिंक बताएगी तो हम चेक करेंगे ईपीएस पे कितना इफेक्ट पड़ा ड्यू टू चेंज इन सेल्स तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये फॉर्मुले ही मेन है जरा एक बार मेरे को बता दीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज के चारों फॉर्मुले क्या हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के चारों फॉर्मुले पहला फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरा फॉर्मूलासेंटेज परसेंटेज चेंज इन आई डिवाइडेड डिड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स तीसरा फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज डिवाइडेड बाई फाइनेंशियल लीवरेज और चौथा फॉर्मूला वन डिवाइडेड बाई एमओस प्रपोर्शन इन सेल्स ओके फाइनेंशियल लीवरेज के तीनों फॉर्मूले बता दीजिए टैक्स, दूसरा परसेंटेज परसेंटेज चेंज चेंज इन इन EBIT, और तीसरा फॉर्मूला कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज इसके बाद में बताइए कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाईटी माइनसेंस डिविडेंट डिवाइड बाई वन माइनस टैक्स दूसरा फॉर्मूला

आपकी लीवरेज नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ईबीआईटी लॉस में चल रहा है दूसरा है यहां पर अगर कभी भी आपका जो लीवरेज है उसमें डिनोमिनेटर जीरो इट मींस आपका ईबीआईटी जीरो चल रहा है ओके आप फाइनेंशियल आप ऑपरेटिंग ब्रेक पॉइंट पर चल रहे हो आप प्रॉफिट कुछ नहीं कमा रहे इसके बाद में अगर ऑपरेटिंग लीवरेज वन है ये एक ही सिचुएशन में हो सकती है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है फाइव लैख कॉस्ट है ही नहीं तो ईबीआईटी भी फाइव लैख हो गया अब आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज लीवरेज आ गई ऑपरेटिंग ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल वर्डन नहीं है जो मेन केस आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज हायर देन वन वाला यहां पर क्या होगा कॉन्ट्रीब्यूशन फाइव लैख है मान लो फिक्स कॉस्ट टू लैख है थ्री लैख आपके बचे तो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई वन पॉइंट सिक्स सेवन

तो यहां पर मेरी लीवरेज आ गई माइनस फाइव टाइम्स यहां पर मेरी लीवरेज आ गई या अनडिफाइंड यहां पर मेरी लीवरेज आ गई वन और यहां पर लीवरेज आ गई तो आप देख सकते हैं लीवरेज या तो नेगेटिव है या तो वन है या फिर वन से ज्यादा है इसका मतलब लीवरेज जीरो से वन के बीच में नहीं है जीरो से वन के बीच में नहीं है कि जीरो से ज्यादा हो और वन से कम हो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होती ओके okay. इसके बाद में हमारे पास है फाइनेंशियल लीवरेज के डिफरेंट केस सेम जैसे आपने अभी ऊपर केस देखे कॉन्ट्रीब्यूशन के और ई के सेम ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज के हमारे पास डिफरेंट केसेज हैं और यहां पर हमें लिख देता हूं ई मैं मान लेता तो हूं बस इंटरेस्ट ही खर्चा है और ई समझाने में आसानी होगी अब मान लीजिए नेगेटिव है नेगेटिव का मतलब है ई आपका फाइव लैख है इंटरेस्ट सिक्स लैख है तो नेगेटिव हो गया ईबीटी वन लेख तो नेगेटिव फाइनेंशियल इवरेज दिखाती है कि आप नुकसान में चल रहे हो अच्छा अनडिफाइंड अनडिफाइंड का मतलब है कि ईबीआईटी फाइव लैख है और जो आपका इंटरेस्ट uh, है वो भी फाइव लैख है और ये जीरो हो गया ये दिखाता है कि आप जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहे हो क्योंकि फाइव लैख डिवाइड बाई जीरो अच्छा अगर इक्वल टू वन है इसका मतलब है फाइव लैख का ईबीआईटी इंटरेस्ट जीरो है तो आपकी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज बन आ जाएगी यह दिखाता है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है और जो मेन केस आपको देखने को मिले मान लो ये फाइव लैख है टू पॉइंट फाइव लैख का इंटरेस्ट टू पॉइंट कमाएरेज आ गई टू टाइम्स इसका मतलब है आप प्रॉफिट में हो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है लेकिन आप प्रॉफिट में चल रहे हो ओके ये हमारे पास सारी सिचुएशन आएंगी इसके बाद हमारे पास आएगा कि भाई लीवरेज आपके फायदे में होती है या आपके नुकसान में होती है तो देखिए लीवरेज का मतलब है कि आपने लोन लिया है और ये बात करेगा फाइनेंशियल लीवरेज की तो आपने फाइनेंशियल लीवरेज ले रखी है इट मींस आपके ऊपर लोन है अगर लोन नहीं होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज जी आपकी वन आ जाएगी फाइनेंशियल लीवरेज वन का मतलब है कि आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है देखिए अगर आपने फाइव लैख का ई इंटरेस्ट जीरो है तो ईबीटी फाइव लैख अब बताइए फाइनेंशियल लीवरेज वन हो गई इसका मतलब कोई फाइनेंशियल लीवरेज पे नहीं है वन का मतलब होता है कोई लिवरेज नहीं है ओके okay. तो फाइनेंशियल लीवरेज आपके इक्विटी इन्वेस्टर के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है ये चीज पूछी जाती है बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है ये देखिए यह है सोर्सिज ऑफ फंड यह है आपका बिजनेस और यह है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड तो एप्लीकेशन ऑफ फंड से हमारी क्या होता है सेल होगी खर्चे होंगे हमें मिलती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ रिटर्न मिलती है इस बिजनेस को और यहां पर जो सोर्सेज जो फंड होते हैं उन्हें हमें देनी पड़ती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्हें हमें पेमेंट करनी पड़ती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज जो फंड से पैसा किससे आ सकता है इक्विटी से डेट से प्रीफरेंस से फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि आपने डेट या प्रीफरेंस शेयर या दोनों से पैसा मंगवाया हुआ है अदरवाइज फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगी ठीक है अब मान लीजिए हम डेट की बात करते हैं तो पहले हम बात करते हैं डेट की अब देखिए डेट का इंटरेस्ट रेट टेन परसेंट है और हम बिजनेस से कमा रहे हैं पंद्रह परसेंट तो बताइए कमाई पंद्रह परसेंट है पेमेंट टेन परसेंट है तो फाइव परसेंट का फायदा हो रहा है और ये फायदा किसको शिफ्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को तो डेट से मान लो दस लाख रुपए मंगवाए और वो दस लाख रुपए बिजनेस में लगाए उस पर कमाया वन पॉइंट फाइव लैख इन्हें पेमेंट करी टेन परसेंट वन लैख बचे हुए पचास हजार इक्विटी शेयर होल्डर को मिल गए और इसमें ये दस लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट किसका है डेट का इसमें इक्विटी शेयर की बात नहीं हो रही इनके इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ऐसे ही मान लीजिए कि डेट कह रहे हैं हमें पंद्रह परसेंट चाहिए और कमाई भी पंद्रह परसेंट है तो इक्विटी को कोई फायदा नहीं हो रहा इनके होने से और अगर डेट कह रहे हैं हमें अट्ठारह परसेंट चाहिए और कमाई फिफ्टीन है तो यहां तीन परसेंट जो शॉर्टेज है वो इक्विटी को अपनी जेब से देनी पड़ेगी तो नुकसान होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज में अगर हम डेट की बात करें बड़ा सिंपल है आर से इंटरेस्ट अगर कम है तो फायदा आर के बराबर है तो इनडिफरेंट और आर से अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो फिर आप लीवरेज अनफेवरेबल है क्योंकि इक्विटी को डेफिशिएंसी भरनी पड़ेगी सेम ऐसे ही बात होती है प्रीफरेंस शेयर की तो प्रीफरेंस के शेयर के केस में क्या होता है उन्हें मिलता है प्रीफरेंस डिविडेंड जो आफ्टर टैक्स होता है तो आई भी आपको लेनी पड़ेगी आफ्टर टैक्स मैचिंग कंसेप्ट तभी बनेगा दोनों आफ्टर और आप फिफ्टीन का मारे हो तो फायदा है। अगर इन्हें 15 चाहिए, तो ना फायदा ना नुकसान इन और अगर ये एटीन परसेंट मांग रहे हैं तो ये थ्री परसेंट की इक्विटी शेयर को भरनी पड़ेगी तो नुकसान है इनका भी बड़ा सिंपल है इफ आफ्टर टैक्स आर इज हायर देन रेट ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंट तो फायदा और इफ आरओआई आई आफ्टर टैक्स इज लोअर देन प्रिफरेंस डिविडेंट तो नुकसान ओके हमारे पास यहां पर इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ डेट इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ठीक है अगर आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो लीवरेज फेवरेबल है बराबर है तो इनडिफरेंट और कम है तो अनफेवरेबल और प्रिफरेंस के केस में आफ्टर टैक्स आर अगर प्रीफरेंस डिविडेंड के रेट से ज्यादा है तो फेवर में कम है तो अनफेवर में वरना इनडिफरेंट रहेगा ओके फाइनेंशियल लीवरेज को डबल एस शॉर्ट भी बोलते हैं कई बार ये दो तीन नंबर में थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है ओके okay. तो डबल शॉर्ट कैसे काम करती है देखिए फाइनेंशियल लीवरेज एक तरफ तो आपको फायदा पहुंचाती है कैसे एक तो जो डेट होते हैं वो सस्ती सोर्स होती है चीप सोर्स होती है दूसरा जो डेट का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर टैक्स अलाउ है, है तो टैक्स सेविंग में मिलती है तो एक तरफ तो आपको सस्ता सोर्स मिला हुआ है और आपको टैक्स सेविंग भी करवा रहा है तो एक तरफ तो फायदा देता है दूसरी तरफ अगर आपका बिजनेस एक साल के लिए बंद हो जाए जैसे कोविड में मान लो लॉकडाउन लग गया तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं उसे अपना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए तो बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो डबल एज शोर्ड है वो एक तरफ से फायदा करवाती है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी करवाती है cost of when the cost of fixed cost fund yani debt is less than return on investment then financial leverage will help to increase return on equity and eps firm will also benefit from the saving on tax on interest on debt however cost of debt will be more than rate of return then इक्विटी एंड ईपीएस पे जो इफेक्ट पड़ेगा इफेक्ट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस विल बी अनफेवरेबल तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा तो ये हमें फायदा भी करवा सकती है और नुकसान भी तो इसको हम कहते हैं डबल है शॉर्ट है इसके बाद में एक पॉइंट आता है इसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि देखो फाइनेंशियल लीवरेज मान लो फेवरेबल है हम ये मान लेते हैं कि इंटरेस्ट का रेट टेन परसेंट है जबकि हमारी आर ओ आई फिफ्टीन परसेंट है तो लीवरेज फेवरेबल में हो गई क्योंकि फाइव परसेंट जो भी इनका बचेगा वो इक्विटी की जेब में चला जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे कंपनी क्या सोचेगी फिर तो ज्यादा ज्यादा से से लोन लोन लो क्योंकि पे पे पैसा 10 पे आएगा कमाई आगे होगी और जो भी बचा हुआ बीच का मार्जिन है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में एक टेंडेंसी चली कि ज्यादा से ज्यादा लोन लो खूब लोन लो तो कहा गया कि आप अगर बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं तो ये आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं और ये सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि किसी भी साल अगर एक बार या दो बार भी बिजनेस थोड़ा डाउन चला गया तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि आप बहुत ह्यूज अमाउंट में लोन ले रहे हो इक्विटी का बेस बहुत छोटा है कंपनी के अंदर इक्विटी का भी अच्छा बेस होना चाहिए लोन लेना बुरा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा लोन ले लिया और इक्विटी का बेस छोटा सा है यह अच्छी बात नहीं है मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल है वन करोड़ की और लोन आपने ले रखा है हंड्रेड करोड़ तो यह सिचुएशन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाती है ऐसी सिचुएशन में कंपनी कभी भी बंद हो सकती है अगर एक या दो साल के लिए भी बिजनेस डाउन हुआ तो ऐसी कंपनी बंद हो जाएगी तो ट्रेडिंग और इक्विटी नहीं करनी चाहिए ओके ये हमारे पास हुआ लीवरेज का बहुत बहुत सिंपल सिंपल है सिंपल। अब हमारे पास जो इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहां जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इनके बाहर से किसी भी हालत में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला यह आप लिख लीजिए किसी भी पेपर पर ओके बीवी क्यू पढ़ते हैं बीटा ट्रोनिक्स लिमिटेड है द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिए रिटेन अर्निंग डिवेंचर करंट लाइविटी सामने और डिटेल सेल दे दी ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिए जिसमें सिक्सटी थाउजेंड डेप्रीशिएशन है ओके क्वेश्चन ने लिखा है इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रीशिएशन आर वेरिएबल यानी डेप्रीशिएशन को छोड़कर सब कुछ वेरिएबल है तो डेप्रीशिएशन इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है ओके ईबीआईटी इंटरेस्ट दे दिया ईबीटी दे दिया टैक्स दे दिया ईएटी दे दिया अब हमसे क्या पूछ रहा है पॉइंट नंबर वन आपको ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालनी है सबसे पहला पॉइंट ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगी जरा देखिए सेल में से वेरिएबल खर्चे माइनस करिए हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो वन ट्वेंटी है जिसमें सिक्सटी थाउजेंड तो डेप्रिशिएशन के फिक्स हो गए बचे हुए सिक्सटी वेरिएबल हो गए तो जरा देखे कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा थ्री पॉइंट फोर लेख की सेल इसमें से सिक्सटी थाउजेंड का वेरिएबल खर्चा कॉन्ट्रीब्यूशन बच गया आपका टू लैख एटी थाउजेंड इसमें से फिक्स खर्चा डेप्रीशिएशन का और ईबीआईटी आपके पास आ गया टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टू एटी आएगा तो टू एटी का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टू ट्वेंटी का ईबीआईटी ऑपरेटिंग लीवरेज आ गई अब फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल इवरेज है ई बी आई टी डिवाइडेड तो टू ट्वेंटी डिवाइड बाई वन सिक्सटी फाइनेंशियल आ गई कंबाइंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है दूसरा पॉइंट इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीज बाय 20 परसेंट सेल की बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट डिक्रीज बाय 20 परसेंट वॉट विल वी द अर्निंग पर शेयर एट न्यू सेल्स लेवल तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना होगा तो पहले तो आप ये बताइए आपका अर्निंग पर शेयर अभी कितना है यहां पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर्स हो गए एटी थाउजेंड ओके अर्निंग आफ्टर टैक्स है वन लैख फोर थाउजेंड तो वन लैख फोर थाउजेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स है नंबर ऑफ शेयर है एटी थाउजेंड ईपीएस निकल जाएगा उजेंड डिवाइड बाई एटी थाउजेंड ई पी एस आ गया वन पॉइंट थ्री वन रुपी थर्टी पैसे आपका ईपीएस okay. अब हमारे पास मुझे बताइए सेल को ईपीएस से लिंक करना है सेल को ईपीएस से. सेल को सीधे ईपीएस से तो कौन सी लीवरेज कंबाइंड लीवरेज आप चेक करिए कंबाइंड लीवरेज कितनी है कंबाइंड लीवरेज है ओके okay. तो मैं आपको बता दूं 1.75 कंबाइंड लीवरेज का मतलब है कि अगर सेल पर एक परसेंट इफेक्ट पड़ेगा तो हमारा जो ईपीएस है उस पर 1.7 टाइम्स फर्क पड़ेगा तो सेल अगर 20% परसेंट बढ़ी है तो ईपीएस पर उसका 1.75 टाइम्स पड़ेगा फर्क तो ईपीएस 35% परसेंट बढ़ जाएगा और अगर सेल 20% परसेंट कम हुई है तो ईपीएस 35% परसेंट कम हो जाएगा तो हमारा एग्जिस्टिंग ईपीएस है 1.3 35% परसेंट बढ़ जाएगा और 35% परसेंट कम हो जाएगा ये हमारे ईपीएस आ गए बहुत ही सिंपल बहुत ज्यादा आसान आगे हमारे पास इसके बाद है बीबी क्यू इलेवन स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीधा कॉपी पेस्ट आ सकता है किसी भी टाइम और आरटीपी में भी पूछा जा रहा है आजकल बहुत द सेल्स रिवेन्यू ऑफ टी एम एक्सीलेंस लिमिटेड एट रुपीज ट्वेंटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज ट्वेंटी लैख सेल है वो ट्वेंटी लैख है कॉन्ट्रीब्यूशन टेन लैख है ठीक है जी ट्वेंटी लैख माइनस टेन लैख बच गया टेन लैख कॉन्ट्रीब्यूशन टेन लैख है इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी टेन लैख होगी सेल आपकी ट्वेंटी लैख हो गई कह रहे हैं एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ द कंपनी इज टू पॉइंट फाइव तो हमारी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो 2.5 है ठीक है इन्होंने ऑपरेटिंग लीवरेज बता दी बताइए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी इक्व टू टू पॉइंट फाइव कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है टेन लैख ,00 रुपीज है ईबीआईटी सामने चला जाएगा टू पॉइंट फाइव सामने आ जाएगा तो ईबीआईटी इक्व टू टेन लैख डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव आ गया फोर लैख ,00 रुपीज ठीक है तो आपके पास ई बी आई टी फोर लैख रुपए आ गया ये लीजिए ई बी आई टी फोर लैख बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रही होगी इसका मतलब सिक्स लैख छह लाख रुपये फिक्स्ड कॉस्ट आ गई कह रहे हैं कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रस शेयर कंपनी के पास कोई प्रिफरेंस शेयर्स नहीं है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वन लैख हैं टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्सटीन परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया लेकिन इसमें लोन नहीं बताया कितना है वो लोन निकालना है आपको ओके okay. दूसरी चीज वॉट इज द ईपीएस एट सेल्स रिवेन्यू ऑफ ट्वेंटी लैख एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ अ कंपनी इफ अ ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस इस लाइन के लिए ये क्वेश्चन हमने यहां पर रखा है बहुत बढ़िया लाइन डाली हुई है ये आ जाइए क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्लाइन इन सेल्स यानी सेल कम होगी ट्वेंटी फाइव परसेंट सेल्स तो कह रहे हैं इन सेल्स विल वाइप आउट ईपीएस वाइप आउट का मतलब होता है खत्म कर देना पूरी तरीके से खत्म कर देना तो बताइए सेल में ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर कम हो रहा है तो आपका ईपीएस वाइप आउट का मतलब है पूरी तरीके से खत्म हो रहा है आपका ईपीएस पूरी तरीके से खत्म हो रहा है तो मुझे बताइए सेल और ईपीएस का इन्होंने चेंज दे दिया इससे आप लोग क्या चीज निकाल सकते हैं कंबाइंड लीवरेज तो कंबाइंड लीवरेज आएगी चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स और आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 25 फाइव फोर टाइम्स तो आपकी कंबाइंड लीवरेज फोर टाइम आ गई कंबाइंड लीवरेज जैसे ही आपके पास फोर टाइम आएगी कंबाइंड लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी टी इक्व टू कंबाइंड इवरेज और ये फोर है कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मालूम है टेन लैख है ई बी टी सामने चला जाएगा फोर नीचे आ जाएगा ई बी टी आपके पास आ जाएगा टू पॉइंट फाइव लैख ई बी टी टू पॉइंट फाइव लैख आपके पास आ गया तो बताइए इंटरेस्ट कितना माइनस हुआ होगा तो इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा वन पॉइंट फाइव लैख तो वन पॉइंट फाइव लैख का आपका इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट जैसे ही आपके पास आ गया आप उससे डेट की अमाउंट निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन ने हमसे ईपीएस पूछा है और अमाउंट ऑफ डेट हमारे कैसे निकलेंगे 150 का इंटरेस्ट डिवाइड बाई पास लोन निकल जाएगा पूरा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया वैसे ही नीचे कैलकुलेट किया हुआ है ओके okay, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास है इसके बाद हमारे पास है बीबीक्यू क्यू ट्वेल्व स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आ चुका है इसमें टेक्निकल कुछ भी नहीं है ये बिल्कुल क्लैरिकल होता है बिल्कुल क्लैरिकल क्वेश्चन इसमें आपको क्या करता है दो प्लान देता है और दो सिचुएशन देता है कहेगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हो तो और फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हो तो फिर आपसे कहता है कि अगर इंटरेस्ट इतना हो तो और इतना हो तो ऐसे चार अलग अलग सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर देगा देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो फाइनेंशियल लीवरेज निकालो कंबाइंड लीवरेज निकालो सिचुएशन वन और टू और फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फोर थाउजेंड यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स सेवेंटी फाइव परसेंट तो इसका मतलब थ्री थाउजेंड यूनिट आपके पास आ गया जो आप एक्चुअल में सेल कर रहे हो सेल प्राइस दे दिया वेरिएबल कॉस्ट दे दिया कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट सिचुएशन में फिफ्टीन और सेकेंड सिचुएशन में ट्वेंटी तो दो फिक्स्ड कॉस्ट हो गए हमारे पास एक बार 15 लेंगे एक बार 20 फिर कह रहे हैं हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दो प्लान है प्लान ए और प्लान बी प्लान ए में डेट 20 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10,000 के हैं और यहां पर 5,000 के हैं तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2,000 और यहां पर 1,000 तो अब आपके पास देखिए दो फिक्स कॉस्ट हो गई और दो अलग अलग इंटरेस्ट हो गए टोटल चार केस हो गए तो आपको चारों केस में ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज निकालनी है बस क्लैरिकल है कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं तो स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है फर्स्ट सिचुएशन में दोनों प्लान सेकेंड सिचुएशन में दोनों प्लान तो टोटल चार कॉम्बिनेशन हो गए सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन वन में 15 15 सिचुएशन टू में 20 20 अच्छा अब इंटरेस्ट की बात करते हैं प्लान ए में इंटरेस्ट 2000 और प्लान बी में इंटरेस्ट 1000 बस कॉन्ट्रीब्यूशन बाईटी ईबीआईटी बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईबीटी और क्वेश्चन सोल्व बीबी क्यू थर्टीन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार बहुत ज्यादा आसान है बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल है जी अब देखिए जरा द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज वन करोड़ हमारे पास वन करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है रुपीज हंड्रेड का शेयर है एंड टेन लैख ऑफ टेन परसेंट डिवेंचर टेन लैख रुपीज डिवेंचर से आ रखें तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया यहां पर इंटरेस्ट हमारा हो गया वन लैख रुपीज ओके सेल्स इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट फ्रॉम वन लैख यूनिट टू वन लैख ट्वेंटी यूनिट हमारी सेल वन लैख से वन लैख ट्वेंटी यूनिट हो रही है सेलिंग प्राइस टेन रुपीज है वेरिएबल कॉस्ट सिक्स है फिक्स्ड कॉस्ट टू लैख है इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट है सब कुछ दिया हुआ है अब हमारे पास क्वेश्चन आपसे बोलेगा कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस ईपीएस में परसेंटेज कितनी बढ़ेगी वो बताओ तो सिंपली आपको क्या करना है वन लैख यूनिट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट अब क्या करिए सेल दस रुपए है वेरिएबल कॉस्ट सिक्स है फिक्स्ड कॉस्ट टू लैख है इंटरेस्ट टेन परसेंट है टेन लैख का टैक्स फिफ्टी परसेंट है नंबर ऑफ शेयर वन लेख है ईपीएस आ गया सीधा सीधा क्वेश्चन है कोई दिमाग लगाने का नहीं तो यहां पर हमारा ईपीएस पॉइंट फाइव था यहां पॉइंट नाइन हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया एटी परसेंट बढ़ गया ये क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ओके सेकेंड रिक्वायरमेंट थर्ड और फोर्थ आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है वन लेख यूनिट पर और वन ट्वेंटी पर तो आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल निकालनी है ऑपरेटिंग कैसे आएगी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी और फाइनेंशियल कैसे आएगी ई बी आई टी डिडेड बाई ई बी टी ई बी आई टी डिड बाईटी दैट्स इट तो फोर लैख डिवाइड बाई टू लैख फोर एटी डिवाइड बाई टू एटी फिर टू लैख डिवाइड बाई वन लेख टू एटी डिवाइड बाई वन एटी दोनों लीवरेज निकल गई आगे कह रहे कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज तो बिहेवियर का बहुत बार पूछता है दो लेवल पर आपसे लीवरेज निकलवाएगा फिर बिहेवियर पूछेगा बिहेवियर बिल्कुल आपको सिंपल बताना है अगर हमारा काम बढ़ेगा तो लीवरेज कम होगी यहां पर बताइए आपका काम बढ़ रहा है या कम हो रहा है एक लाख यूनिट से वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट हो रही है तो यहां पर आपका काम बढ़ रहा है तो अगर आपका काम बढ़ेगा तो आपका रिस्क कम होगा आपकी लीवरेज कम होगी अब देखिए वन लेख यूनिट पर लीवरेज टू है 120 पर लीवरेज कम हो गई 1.71 हो गई लीवरेज कम हुई यानी रिस्क कम हो गया अच्छा फाइनेंशियल लीवरेज 1 लाख यूनिट पर टू टाइम्स और 120 यूनिट पर 1.56 तो टू टाइम से 1.56 टाइम हो गई तो कम हो गई कम हो गई यानी रिस्क आपका कम हो गया ठीक है यह क्वेश्चन एग्जाम में एट टाइम्स आ चुका है आठ बार आ चुका है एग्जामिनर को जब कुछ नहीं मिलता एग्जामिनर को जब कुछ नहीं मिलता लीवरेज में तो फिर एग्जामिनर यह वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं ओके। आ, एक बच्चे उसमें चैट में लगे रहेंगे, तो मैं एक मिनट लगेगा मैं लाइव चैट ऑफ कर देता हूं सेशन के एंड में लाइव चैट ऑन कर देंगे बेटर है ना क्योंकि सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़े तो एक क्यूटी पाई बच्चों को हम कहां है, कहां है कहां है कहां है कहां है लाइव चैट लाइव चैट लाइव चैट हम्म लाइव चैट हो गई बंद हां जी लाइव चैट तो मैं इसलिए ऑन रखता हूं बस के कभी वफरिंग वफरिंग ये वो वो बता दें पर कुछ बच्चे मानते नहीं है आ जाइए तो बीबी क्यू फोर्टीन यह आपका एग्जाम में पूछा गया है एट टाइम्स जब एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलता तो वो बीबीक्यू फोर्टीन पूछ लेता है देखेगा। सिंपल सा इसके अंदर पहले एक बैलेंस शीट देते हैं आपको इस बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं आपके पास यहां पर डिवेंचर का रेट दे दिया जाता है जिससे आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं तो थ्री करोड़ हो गया और इसके अलावा ये क्या लिख कर देते हैं जरा देखिए पहला पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने बता दी एट करोड़ से वेरिएबल कॉस्ट सिक्स परसेंट है लिखते हैं एसेट टर्न ओवर रेशो टू पॉइंट फाइव आपकी एसेट कितनी टू पॉइंट फाइव इसका मतलब सेल वन हंड्रेड करोड़ होगी तो यहां से आपकी सेल निकलती है तो एसेट टर्न ओवर आपका टू टाइम है तो सेल आपकी हंड्रेड सीआर हो गई अब हंड्रेड सीआर की सेल सिक्स सिक्सटी फाइव परसेंट आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट एट करोड़ हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आप पहुंच गए ईबीआईटी तक तक इंटरेस्ट ये ये रहा रहा आप आप पहुंच गए tax, आप पहुंच गए EAT EAT गए ईबीटी टैक्स ईएटी ईएटी पर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे ईपीएस आ जाएगा यही होती है पहली रिक्वायरमेंट हमेशा तो सबसे पहले ईपीएस पूछता है ईपीएस निकाल देंगे फिर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज पूछता है बड़ा सिंपल ऑपरेटिंग बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडी ओ एल आ जाएगा EBIT डिवाइड टी डिवाइड फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगी ये कई कई बार बार मार्क्स में देता है एग्जामिनर दस नंबर में देता है दोनों तरीके से ऐसा दे सकता है ठीक है इसके बाद में हमारे पास BBQ 15 मैंने आपको बताया था MOS वाले क्वेश्चन अभी स्टडी मैट में नए ऐड हुए तो दो तीन अटेम्प्ट से कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं जो एमओएस को लेकर है उनमें से एक क्वेश्चन आपका यह है क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है विद द हेल्प ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस की हेल्प से ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थाउजेंड सेल प्राइस फिफ्टी वेरिएबल कॉस्ट थर्टी फिक्स कॉस्ट फिफ्टीन थाउजेंड यह सब कुछ दे दिया तो नंबर ऑफ यूनिट वन थाउजेंड है सेल प्राइस फिफ्टी सेल आ गई फिफ्टी थाउजेंड वेरिएबल कॉस्ट थर्टी है तो थर्टी थाउजेंड हो गई कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया स्ट फिफ्टीन थाउजेंड है ई बी आई टी फाइव थाउजेंड आ गया लेकिन आप ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी से फोर आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड फोर आ जाएगा ऐसे नहीं निकाल सकते बोले कि आपको एमओएस के थ्रू निकालना है तो कोई बात नहीं हमें निकालना पड़ेगा बीपी और एमओएस इसके अंदर तो देखिए हमारे पास आप सीधे एमओएस भी निकाल सकते हो 5000 का प्रॉफिट है पर यूनिट कितना है ट्वेंटी प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास आ गया आ, नहीं फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी ठीक है ये आ गया आपके पास टू फिफ्टी okay. यूनिट ओके टोटल कितनी यूनिट बेची है एक हजार वन थाउजेंड में से टू फिफ्टी यूनिट एमओएस की है इसका मतलब एमओएस का प्रोपोर्शन सेल का कितना हिस्सा है एमओएस इसका मतलब सेल का 25 फाइव परसेंट एमओएस है अब वन डिवाइड बाई एमओ परपोर्शन टू सेल कर दीजिए आपके पास लिवरेज जा आ जा जाएगी फोर टाइम्स दैट्स इट तो बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे को अगर नहीं पता हो उसने ना किया हो तो अटक सकता है ये कभी भी पूछा जा सकता है इसके बाद में है हमारे पास बीबी क्यू सिक्स यह भी एमओएस के ऊपर ही बना हुआ क्वेश्चन है बहुत सिंपल है क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आपको इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है कंपनी का ठीक है कंपनी का इनकम स्टेटमेंट जब भी बनवाना होता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं और कुछ कर देते हैं गायब तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन है जो देखिए सेल मुझे नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट मेरे को नहीं पता इसके पीवी रेशो दे रखा है ट्वेंटी ठीक है वेरिएबल कॉस्ट सेल की सेवेंटी है और कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी है ओके लेकिन मुझे यह नहीं पता मैं अभी सिर्फ कंपनी ए की बात कर रहा हूं ए और बी का सेम है तो लेकिन मुझे सेल ही नहीं मालूम अभी कोई बात नहीं फिक्सड कॉस्ट मुझे अभी नहीं पता ईबीआईटी मुझे अभी नहीं पता इंटरेस्ट मुझे मालूम है थ्री थाउजेंड है ओके प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पता टैक्स रेट फोर्टी फाइव परसेंट है वो मुझे पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे नहीं पता अब ये सब हमारे को क्वेश्चन मार्क फिल करने होते हैं कोई दिक्कत नहीं इसके लिए क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा जैसे कि इंफॉर्मेशन में आपको फाइनेंशियल लिवरेज दे दी फोर अब बताइए फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है EBIT डिवाइडेड बाईटी EBT, EBT की जगह पे लिख सकता हूं माइनस इंटरेस्ट फाइनेंशियल लीवरेज है फोर इंटरेस्ट है आपके पास थ्री थाउजेंड तो आप बताइए क्या होगा EBIT माइनस थ्री थाउजेंड सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन सोल्व करेंगे आपके पास EBIT और EBT दोनों का आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज उठा लीजिए EBIT आ गया EBIT आ गया आपके पास आ गया फोर थाउजेंड इंटरेस्ट थ्री थाउजेंड है बी खुद ही आ गया वन थाउजेंड टैक्स रेट फोर्टी फाइव है फोर फिफ्टी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया तो यहां से यहां तक की कैलकुलेशन फेल हो गई आपकी इसके बाद में अब हमें चाहिए आ, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन ने दे दिया एमओएस पॉइंट टू है तो बताइए एमओ एस अगर पॉइंट टू है तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं वन बाई एमओस प्रपोर्शन वन बाई पॉइंट टू तो ऑपरेटिंग लीवरेज हो गई फाइव कंपनी ए की बात कर रहा हूं मैं फाइव आ गई अब बताइए ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन एबीआईटी आप निकाल चुके हैं फोर थाउजेंड ये फोर थाउजेंड है मल्टीप्लाई होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया बैलेंसिंग फिगर हो गई फिक्स कॉस्ट ये जो ट्वेंटी थाउजेंड का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये सेल का ट्वेंटी फाइव परसेंट है पीवी रेशो ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो ट्वेंटी थाउजेंड को ट्वेंटी फाइव परसेंट से डिवाइड करेंगे सेल आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट बढ़ जाएगा सेम ऐसे ही कंपनी बी okay. का बढ़ना है ओके बीबी क्यू सेवेंटीन यह भी स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है कंपनी पी एंड क्यू आर हैविंग सेम अर्निंग बिफोर टैक्स दोनों कंपनी का ईबीटी सेम है ऐसा कंपनी ने बता दिया पी और क्यू के लिए ठीक है हाउ एवर एमओ एस ऑफ कंपनी पी इज पॉइंट टू तो कंपनी पी का पॉइंट टू है तो वन डिवाइड बाई पॉइंट टू इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज हो गई फाइव एंड फॉर कंपनी क्यू इज वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स बी जितना कंपनी पी का है क्यू का उसका वन पॉइंट टू फाइव टाइम है तो अगर कंपनी पी का पॉइंट टू है उसका वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स कितना हो गया पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट टू फाइव इसका मतलब इसका पॉइंट टू फाइव है तो यहां पर क्या करा गया है पी का बताता जाएगा और Q को उससे लिंक करता जाएगा तो इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज फोर हो गई आगे देखिए क्या कह रहे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी P 150 एंड फॉर कंपनी Q वन थर्ड लेस देन ऑफ कंपनी P। तो P का 150 है और Q का वन थर्ड लेस देन उससे वन थर्ड कम है तो इसमें से वन थर्ड और 150 माइनस कर दीजिए इसका मतलब Q का हो गया वन लैख इस तरीके से चीजों को आपसे निकलवाएगा तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका पॉइंट टू है तो इसका पॉइंट टू फाइव इंटरेस्ट इसका वन फिफ्टी है तो इसका वन लैख है बस इसी तरीके से पॉइंट दिए हुए इसके बाद में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन सिंपल है पर लिंक ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है एक एक चीज को एक है बीबीक्यू क्यू एटीन यह एग्जाम में आया था बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना जबकि बहुत सिंपल था बहुत सिंपल बीबीक्यू एटीन कभी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड है पूरी तरीके से बहुत ध्यान से देखेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल क्वेश्चन ने बता दिया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल है इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट है अब जरा बताइए अर्निंग बिफोर टैक्स कितना होगा बहुत सिंपल अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स फाइव परसेंट ऑफ सेल है तो अर्निंग बिफोर टैक्स टेन परसेंट ऑफ सेल होगा इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट है तो इसका मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स का आधा होगा ना आधा टैक्स चला गया आधा ई आ गया तो ईबीटी आपका हो गया टेन परसेंट ऑफ सेल ठीक है जी इसके बाद में ऑपरेटिंग लीवरेज फोर टाइम्स है टेन परसेंट डिवेंचर इन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्री लेख के हैं जिससे थर्टी का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट सिक्स लेख है क्वेश्चन ने आपको कहा है कि इस स्टेटमेंट को आपको भरना है अब देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है फाइव परसेंट ऑफ सेल्स ई बी टी कितना होगा टेन परसेंट ऑफ सेल्स ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई इंटरेस्ट यहां पर आ गया थर्टी थाउजेंड इसके अलावा और आपके पास यहां पर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ठीक है हमें क्या उठाना पड़ेगा हमें ऑपरेटिंग लिवरेज उठाना पड़ेगा ऑपरेटिंग लिवरेज फोर टाइम है बच्चों ने उठा लिया ऑपरेटिंग लिवरेज एल इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई फिक्सड कॉस्ट और ये है फोर टाइम्स ठीक है जी तो फिक्सड कॉस्ट सामने चली गई फोर यहां पर आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई फोर इक्व टू फिक्सड कॉस्ट ये हमारे पास निकल आया फिर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फोर अरे मैंने गलत लिख दिया सॉरी हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी यहां पर आ गया EBIT इक्व टू फोर तो फोर नीचे आ गया ई बी आई टी सामने चला गया तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई फोर इक्वस टू ईबीआईटी आ गया ठीक है इसके बाद में हमारे पास आ जाइए क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल लिवरेज निकालो कंबाइंड लिवरेज निकालो ये दोनों चीजें निकल जाएं तो आगे का क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा ठीक है अब जरा यहां पर आ जाइए क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग लीवरेज दे दी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईटी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाईबीआईटी इक्वस टू फोर है तो फोर ई बी आई टी इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया हम ईबीआईटी की जगह पर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट रख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है तो जैसे ही आप यहां पर रखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्व टू फोर ये दोनों चीजें सामने चली जाएंगी कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फोर ईबीआईटी माइनस फोर फिक्स्ड कॉस्ट ठीक है ये हमारे पास सामने पहुंच गया मैं आज कर क्या रहा हूं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई बी कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट एक सेकेंड यह मैंने ओके ऑपरेटिंग लीवरेज इक्व टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्सड कॉस्ट इक्वस टू फोर कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वस टू फोर कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फोर फिक्सड कॉस्ट ये दोनों यहां पर आपके सामने चले गए ठीक है अब हमारे पास फोर कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर आ गया तो माइनस का थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वस टू माइनस का फोर फिक्सड कॉस्ट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया फोर सामने आके डिवाइड में आ जाएगा थ्री बाई फोर कॉन्ट्रीब्यूशन क्वस टू फिक्स कॉस्ट थ्री बाई फोर का मतलब सेवनटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू फिक्स कॉस्ट ये हमारी बनेगी इसमें इक्वेशन इसी इक्वेशन के ऊपर आगे पूरा क्वेश्चन आपका चलेगा और इसी से सोल्व होगा तो यहां पर बच्चे ने क्या किया जैसे बच्चों ने निकाला ऑपरेटिंग लीवरेज सोल्व तो हुआ नहीं कुछ तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये पूरा क्वेश्चन सीधा का सीधा दोबारे से आपके एग्जाम में आ सकता है देखिए बहुत सिंपल है अब आपको सीधा सीधा नजर आएगा ऑपरेटिंग लीवरेज से हमने शुरू करा और एंड रिजल्ट हमारे पास आ गया फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स टू 75 contribution. अब contribution का मतलब है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल हमें नहीं पता पर वेरिएबल कॉस्ट सिक्स लैख है यह पता है कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल माइनस सिक्स लैख ठीक है अब मुझे बताइए फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब कितना था 75% ऑफ कंट्रीब्यूशन तो कॉन्ट्रीब्यूशन इक्व टू सेल माइनस सिक्स लेख है इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट सेल माइनस सिक्स लेख का सेवेंटी फाइव परसेंट है तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ गई सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल माइनस फोर फिफ्टी अभी तक हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट में क्या था ये फाइव परसेंट ऑफ सेल था ई एटी ईबीटी टेन परसेंट ऑफ सेल था अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी निकल आई है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सेल सारी चीजें सेल से लिंक होंगी माइनस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स सेल का 5 परसेंट है तो अर्निंग बिफोर टैक्स 10 परसेंट सेल हो गया यहां पर यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ईबीटी टू सेल में से हमें माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट सेल में से हमें माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्सड कॉस्ट फिर माइनस करना है हमें इंटरेस्ट तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो हमें पता है सिक्स लेख फिक्स कॉस्ट जिसकी हमने इक्वेशन बना ली है और हमारे पास रिजल्ट आ गया है 75% ऑफ सेल माइनस फोर तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को 75% ऑफ सेल 450 से रिप्लेस कर देंगे इंटरेस्ट हमें पता है अब जरा देखिए यहां पर आपका वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में आ गया आपका 30,000 इंटरेस्ट अमाउंट में आ गया 450 अमाउंट में आ गया बाकी बचा सेल्स सामने ईबीटी को बदलकर कर देंगे टेन ऑफ सेल अब सारी की सारी चीजें हमने सेल्स में कन्वर्ट कर दी अब आप सेल को कैलकुलेट करेंगे 12 लाख की सेल निकलाएगी जैसी सेल 12 लाख निकलेगी पूरा स्टेटमेंट आपका बनता चला जाएगा 12 लाख की सेल 6 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन और अब निकालिए 12 लाख का 75% परसेंट माइनस 4.50, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई आपकी 4.5 लाख 1.5 लाख आपका ईबीआईटी आ गया 1.2 लाख आपका ईबीटी आ गया इनकम टैक्स 50 परसेंट है 0.6 लाख आ गया और 0.6 लाख like आपका ए आ गया तो ये बहुत एक अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड है दोबारा पूछा जाएगा आईसीआई जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है और बच्चे अटकते हैं तो वो उसको दोबारा से पूछता है तो ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है ओके इसके बाद में हमारे पास है एक क्वेश्चन बीबी क्यू ये सिंपल है सेल दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है ओके नीचे लोन दिया हुआ है लोन का रेट दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल टेन लैक है यह हंड्रेड रुपीज है तो इससे अगर ईपीएस पूछेगा तो नंबर निकल जाएंगे। रेट फिफ्टी परसेंट है ओ एल पूछ रहा है एफ एल पूछ रहा है कंबाइंड लिवरेज पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेल है वेरिएबल कॉस्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया फिक्स कॉस्ट माइनस करिए आपके पास में ईबीआईटी आ गया इंटरेस्ट माइनस किया आपके पास ईबीटी आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ई टी ओ एल आ जाएगा ई बी आई टी बाईटी एफ एल आ जाएगा ओ एल और एफ एल को मल्टीप्लाई करेंगे CL आ जाएगा फिर पूछ रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी पूछ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई इक्विटी फंड मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो यहां पर हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है फिफ्टी थाउजेंड टेन के हमारे इक्विटी फंड्स हैं तो ये हमारे पास हो गया 5% फिर पूछ रहा है इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख रुपीज व्हाट विल बी न्यू ईबीआईटी मुझे बताइए सेल से ईबीआईटी का लिंक पूछ रहा है तो ऑपरेटिंग लीवरेज उठाएंगे ऑपरेटिंग लीवरेज है सिक्स टाइम तो आपकी जितनी भी सेल बढ़ी है ईबीआईटी उससे सिक्स टाइम बढ़ेगा आपकी सेल है ट्वेंटी फोर बढ़ रही है सिक्स लैख कितने परसेंट बढ़ रही है 25% ऑपरेटिंग लीवरेज 6 है तो सेल 25% बढ़ी है तो ईबीआईटी पर इसका 6 गुना इफेक्ट जाएगा तो ईबीआईटी आपका बढ़ेगा 150% तो अभी आपका ई है 2 लाख ये 150% बढ़ जाएगा 2 लाख प्लस 150% ये हो जाएगा 5 लाख तो हमारा नया ई 5 लाख टी फाइव जाएगा स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है ही में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है जो यहां पर बीबी क्यू है ओके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी yes. ऐसा है ये पूरा तो कभी नहीं आ सकता पर इसके कुछ पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं Affirm है सेल्स ऑफ सेवन फाइव वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टी सिक्स परसेंट कॉस्ट सिक्स लेख लोन फोर्टी फाइव लैख का है नाइन परसेंट से इक्विटी फंड 55 फाइव लैक है ओके okay. तो हमारे पास सेल आ गई वेरिएबल कॉस्ट आ गई कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी ई आ गया इंटरेस्ट माइनस करा ईबीटी आ गया ये हमारे पास सेल से ईबीटी तक आ गया ओके okay. क्वेश्चन कह रहा है फर्म की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है आर कितनी है पूरी फर्म की तो फर्म की आर होती है पूरी फर्म की कमाई डिवाइडेड बाई पूरी फर्म के फंड्स कमाई कितनी है आपकी ई सेवन लाख, ट्वेंटी सेवन लैख की कमाई है कंपनी की और फंड कितने हैं? इक्विटी के फिफ्टी फाइव लैख और फोर्टी फाइव लैख डेट के दोनों का फंड मिलाकर इक्विटी और डेट दोनों का फंड मिलाकर वन करोड़ हो गया तो इसका मतलब हमारी आर ओ आई ट्वेंटी सेवन परसेंट है फर्म की ओके okay. दूसरा कह रहे हैं डज इट हैज फेवरेबल लीवरेज क्या कंपनी की लीवरेज फेवरेबल है बहुत सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट नाइन परसेंट है फर्म कमा रही है ट्वेंटी सेवन परसेंट तो इसका मतलब आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो अगर आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो इसका मतलब लीवरेज हमारे फेवर में काम करेगी तो लीवरेज आपकी फेवरेबल हो गई तो सबसे पहले आर ओ आई ट्वेंटी सेवन परसेंट सेकेंड पॉइंट लीवरेज फेवरेबल हो गई ओके okay. फिर कह रहे अगर फर्म इफ फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज थ्री डज इट हैज हाई और लो कैपिटल टर्न तो कैपिटल टर्न का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाई कैपिटल तो सेल है सेवन लैख कैपिटल है वन हंड्रेड तो हमारा टर्न ओवर रेशो आगे पॉइंट इंडस्ट्री का टर्न ओवर थ्री है तो हमारा टर्न ओवर थ्री से कम है कैपिटल टर्न ओवर पॉइंट सेवन फाइव इसका मतलब हमारा कैपिटल टर्न ओवर कम है लो है फिर पूछा है कि ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड बता दो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है एक परसेंट भी कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टी ओ एल ईबीआईटी डिवाइड बाईटी एफ एल और इन दोनों को मिला दो तो कंबाइंड लीवरेज ये तीनों निकल जाएंगे पॉइंट नंबर फिफ्थ अगर इफ सेल्स इंक्रीज बाई टेन परसेंट परसेंटेज ऑफ ई बी आई टी विल चेंज तो सेल अगर टेन परसेंट बढ़ेगी तो EBIT कितने परसेंट बढ़ेगा ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए कितनी है ऑपरेटिंग लीवरेज 1.222 है तो इस पर इफेक्ट 1.222 टाइम्स होगा तो ये 12.22 परसेंट बढ़ेगा ओके okay. इसके बाद में पॉइंट नंबर सिक्स एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स EBT ऑफ द फर्म इक्व टू जीरो फर्म का EBT कब जीरो हो जाएगा तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है हम सामने रखते हैं ई और फिर शुरू करते हैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो और इंटरेस्ट माइनस करो तो ईबीटी आ जाएगा ईबीटी हमें चाहिए जीरो जीरो इक्व टू सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है फिफ्टी सिक्स परसेंट फिफ्टी सिक्स परसेंट सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट है सिक्स लेख ,00 और इंटरेस्ट है फोर लेख फाइव थाउजेंड ओके बस इसको सॉल्व करिए आ जाएगा ये हो गया सिक्स लेख ,00 और फोर लैख फाइव थाउजेंड टेन लैख फाइव थाउजेंड और यह हो गई 44% ऑफ सेल 44% परसेंट ऑफ सेल टू टू एट फोर जीरो नाइन वन टू टू एट फोर जीरो नाइन वन हमारे पास निकल आएगा ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन का पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़े से ओके इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट वॉट परसेंटेज ऑफ ई बी टी विल इंक्रीज अब बच्चों के दिमाग में हमेशा क्या होता है कि ईबीआईटी से ईपीएस का रिलेशन है ई से ईपीएस का रिलेशन है तो भाई ई अगर 20 परसेंट बढ़ेगा तो ईपीएस कितना बढ़ेगा यह आपकी फाइनेंशियल लीवरेज बता देगी फाइनेंशियल लीवरेज है 1.176 ओके okay. 1.176 अब यहां पर एग्जामिनर ने लिख दिया ईबीटी तो ईपीएस की जगह ईबीटी लिख दिया तो मैं आपको बता दूं EBIT और EBT से ही तो फॉर्मूला बना है EBIT डिवाइडेड बाई EBT से ही तो फाइनेंशियल लिवरेज बनी है तो EBIT का जो इफेक्ट EPS पे पड़ता है वही सेम इफेक्ट EBT पे भी पड़ता है तो EPS पे इफेक्ट पूछे या EBT पे इफेक्ट पूछे दोनों का आंसर सेम रहेगा 20% का 1.176 तो 20% का 1.176 से मल्टीप्लाई करा ये आपके पास आ गया 23.52% ओके लास्ट क्वेश्चन और लीवरेज का काम खत्म यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसके अंदर एरर है यह जब भी पूछा गया एरर के साथ ही पूछा गया तो बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए क्वेश्चन में पर दिखा रहा हूं फॉलोइंग आर द समराइज परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम यानी चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है बी ओके परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन सेल्स ओके एंड बीटा फैक्टर बीटा फैक्टर बेसिकली आपके सिस्टमेटिक रिस्क को दिखाता है सीएपीएम मॉडल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर तो ये भी रिस्क को ही शो करता है ओके अब क्वेश्चन में ये चार कंपनियां दे दी कह रहे हैं आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालनी है तो बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए क्या करेंगे चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स यहां पर परसेंटेज खुद निकाल के दी हुई है तो चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स किया तो आंसर आ गया 1.91, 1.57, 1.28 ये गलत है 0.93 कभी भी ऑपरेटिंग लीवरेज वन और जीरो के बीच में हो ही नहीं सकती तो यहां पर ये गलती है लेकिन अब इस पे एग्जामिनर से बहस तो नहीं कर सकते और ये क्वेश्चन जब भी आता है गलती के साथ ही आता है हमेशा पॉइंट नाइन ऐसे लीवरेज आ जाती है तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है भाई बच्चों ने कंसेप्ट पढ़ा होता है कि लीवरेज जीरो और वन के बीच में नहीं हो सकती तो ये क्वेश्चन गलत ही आता है हमेशा इसका आंसर यही रहेगा आपको कुछ नहीं करना आपको फॉर्मूला लेवाना है परसेंटेज चेंज इन ईवीआई बाई आंसर आए वही फाइनल है ठीक है तो यहां पर ये गलती है इसलिए मैंने इसको रखा कि ये ध्यान रखें ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ने दूसरा पूछा है कि आप ये बताओ ऑपरेटिंग लीवरेज को यूज करके कि इन फर्म का डिफरेंट बीटा क्यों है तो देखो ऑपरेटिंग लीवरेज रिस्क को दिखाती है और बीटा भी रिस्क को दिखाता है जिसकी ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगी यानी रिस्क ज्यादा होगा उस कंपनी का बीटा फैक्टर भी ज्यादा होगा अब देखिए सबसे कम लीवरेज किसकी है पॉइंट नाइन थ्री है तो इसका बीटा वन है और सबसे ज्यादा लीवरेज है तो इसका बीटा है जो सबसे ज्यादा है जैसे जैसे लीवरेज बढ़ेगी वैसे वैसे बीटा फैक्टर भी बढ़ेगा हर चैप्टर के बाद में मैंने इंपॉर्टेंट नॉइंट दिए हुए हैं आपको कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो वो आप यहां पर रख सकते हैं ये हमारा लीवरेज का, का काम खत्म बहुत ही सिंपल जी अब आप लोग पूछ सकते हैं डाउट ये सेशन खत्म हो गया है पूरा बहुत ही बढ़िया सेशन रहा जी जी अब आप लोग डाउट लिख सकते हैं जी हेलो 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 हां बीच में कनेक्शन कर दो देखिए मेरे को लगता है कि ये आपका काम हो गया होगा इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि दोनों जो भी आपके क्वेश्चन है देखिए पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है आपको इसके अलावा कोई भी पॉइंट और एक्स्ट्रा लगता है तो आप इंपॉर्टेंट नोट्स में उसको कर सकते हैं इतने शॉर्ट सेशंस में इतना इनडेप्थ कंसेप्ट और इतने सेलेक्टिव क्वेश्चन बहुत मुश्किल काम है मैं आपको बता दूं और टीचर फास्ट ट्रैक में भी इतना नहीं करवाते जो बूस्टर बैच में चल रहा है तो ये बिल्कुल एक अलग लेवल चल रहा है अब कल जो सेशन है वो कोस्टिंग का है वो अभी इवनिंग में ही है जो इवनिंग का टाइम उनको दिया हुआ है बच्चों को सेवन टू नाइन परसों एफएम का सेशन चलेगा दो दिन ऐसे ही चलेगा उसके बाद में ना मैं एक डिजाइन बनाकर फिर मॉर्निंग का टाइम और ऐड कर दूंगा असल में होता क्या है बच्चों के अपने टाइम सेट होते हैं पढ़ाई के तो अगर मैं बार बार ऊपर नीचे टाइम करूंगा तो अपना शेड्यूल उनका बिगड़ जाएगा तो ये हमारा जो एफएम का सेशन है अब होगा परसों ट्यूसडे इवनिंग में होगा सेवन टू नाइन तो इवनिंग में अपना सेवन टू नाइन करेंगे आ, ये हो गया आपका ट्यूसडे में फिर थर्सडे में सेवन टू नाइन होगा तो ट्यूसडे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कोई भी इसके अंदर चेंज करना है तो ठीक है अब जो इवनिंग में दो दो घंटे वाले सेशन होंगे उसमें एक चैप्टर करेंगे हम सेवन टू नाइन की जगह दो चैप्टर करने है तो सेवन टू टेन स्ट्रेच कर सकते हैं उसको आप लोग बता दीजिए आप लोगों को क्या करना है बाकी एक एक चैप्टर भी चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सैटरडे या संडे में से एक दिन बड़ा सेशन जरूर होगा पांच छह घंटे का उसमें दो तीन चैप्टर हो जाएंगे और दो चैप्टर तो आपके हो गए टोटल नौ चैप्टर ही आपके बचे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दिया हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दिया हो तो एफ एल सेम आएगा नहीं नहीं फिर एफ एल चेंज हो जाएगा ओके ठीक है तो फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं सेवन टू टेन कर लेंगे सेवन टू टेन और कोशिश करेंगे दो दो चैप्टर कर दें अगर दो दो चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बता दूं हमारे पास तो टोटल चैप्टर ही इलेवन है इलेवन में से दो तो आपने आज निपटा दिए हमारे भाई ई बी आई टीपीएस निपट गया लीवरेज भी निपट गया अब हमारे पास एक दो तीन चार रिसीवेबल और कैश मैनेजमेंट निपटा देंगे वर्किंग कैपिटल एक ही दिन में होगा कैपिटल बस्टिंग एक ही दिन में होगा और ये भी हो जाएगा ही कोई दिक्कत नहीं है मतलब विद इन टेन टू ट्वेल्व डेज पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा ऑल्टरनेटिव डेज में भी करके ठीक है तो फिर अंसारी कह रहे हैं सर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस की जगह परसेंटेज चेंज इन ईबीटी लिख सकते हैं लिख सकते हो अगर प्रीफरेंस शेयर्स ना हो तो ओके कल क्लास कॉस्टिंग की होगी तो और, और आपके जो भी दोस्त हैं उन्हें सबको शेयर कर दीजिएगा वीडियो भैया बूस्टर बैच ले लो बूस्टर बैच ले डाला तो लाइफ झिंगा लाला कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपको बता दूं इस बूस्टर बैच से सत्तर अस्सी नंबर आने ही आने हैं इससे कहीं गए नहीं है एक बार अगर किसी ने भी कहीं से भी क्लास ली हुई है उसके बाद में बूस्टर बैच कर रहा है तो उसकी बल्ले बल्ले है ठीक है और कोई किसी को डाउट तो बोल दीजिए सर मैंने आपका कोस्ट का लास्ट डे दे रिवीजन देखा था उसमें 66 मार्क्स आ गए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू बेटा गुड ब्लेस यू सर एक स्टडी प्लान भी बता दीजिए बस बेटा ये बूस्टर बैच पूरा कर दूं उसके बाद में ये अभी 10 दिन ना मैं बहुत प्रेशर में चल रहा हूँ थैंक्स फॉर योर द थैंक्स फॉर द सेशन गुड ब्लेस यू बेटा सर बूस्टर बैच आई करने की ज़रूरत नहीं है क्या एक बार ऊपर से देख लेना अनम्या जैन पूछ रहे हैं और 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 दिव्या कह रही है कि सर आपसे फास्ट टैग लिया है फास्ट जिसने हमारा लिया उसकी तो बात ही उसका तो कंपेरिजन ही नहीं है ओके जेएस वगैरह कह रहे हैं इको के भी एग्जाम ओरिएंटेड दोगे बिल्कुल इको का बूस्टर एफएम के बाद आएगा मैंने भी कॉस्ट लिया था एग्जाम्शन आ गई बस रिवीजन देखकर थैंक यू सर वरीजा की एग्जाम्शन आ गई रिविजन से ही गॉड ब्लेस यू बेटा वंशी का कह रही है सर आपसे ये को का फास्ट ट्रैक लिया था वेरी गुड तो ठीक है टाइम ओवर कल परसों परसों सात बजे एफ एम की होगी फिर सात बजे एफ एम मिलते हैं और उसके अलावा कोस्टिंग की कल है ही तो जो आप में से कोस्टिंग में आ रहे हो वो भी आ सकते हैं ओके सभी को टाटा बाय बाय